और जेब में कितनी मरने के लिए तेरे पास पैसे हैं, लेकिन बीवी को मौत से बचाने के लिए पैसे नहीं क्या बकरा है ये देख मौत लिखी है इस पे मौत। और ये सैनिटरी पैड पे जिंदगी हसमत <laughs> दो सिगरेट के पैसे से भाभी को ऐसी खतरनाक बीमारी जो महावरी के वक्त गंदा कपड़ा इस्तेमाल करने से हो सकती है उससे बचा और सिगरेट ना पीने से अपने आप को भी खतरनाक बीमारी से बचा सकता है। यानी कि मौत के पैसे से दो जिंदगी खरीद सकता है तू एक अपनी और एक अपनी की। सोच हीरो ये पीने में नहीं है, ये देने में मरने से पहले महाभारत का एक मशहूर किस्सा मैं आपको सुनाता हूँ अभी ने माँ के पेट से चक्रव्यूह में घुसने का रास्ता तो सीख लिया लेकिन कभी आया। काफी गर्मी है तुम लोग में, मैं भी थोड़ा गर्म हो लेता हूँ आपको तो लगा कि मैं अभी मनु मैं उसका बापरा सीरियस एंड मेरे को बोलने के का काम बैठने का नहीं होता है काटने का होता है फिरोज देश का सबसे बड़ा ग्राम चला था जो तो काम तुम्हारे बाप ने शुरू किया खत्म तुम कर सकते हो तो रिलीज हो चुका है फिल्म का ट्रेलर और ट्रेलर और देखने के बाद समझ आ चुका है हमें बॉलीवुड को उसका अगला एंग्री यंग मैन मिल चुका है जी एक्टर सिद्धांत चतुर्वेदी एंगर और वायलेंस की नई डेफिनेशन सेट करने जो आए हैं क्या बात कर रहे हैं तो ये पूरा दो मिनट चौदह सेकंड का ट्रेलर है और जिसकी शुरुआत के कुछ सेकंड छोड़ने के बाद माफिया वाला एंगल हमें दिखाया जाएगा जिसका लीडर शफीक होता है और यहीं पर होती है हमारी कॉकरोच यानी रैग ऑफ की एंट्री तो इस को इसी ड्रग माफिया का साफ सफाया करना है और यही उसका मिशन मिशन है। है, अब इस मिशन में वो रागव को टक्कर दे पाता है। उसका खात्मा कर पाता है नहीं? इसके लिए फिल्म का टिकट तो निकालना पड़ेगा जो बीस सितम्बर को रिलीज हो रही है वैसे फिल्म के कैरेक्टर्स के बारे में बात करें तो सिद्धांत तो हो या राघव हो दोनों ही अपने कैरेक्टर्स में बिल्कुल फिट नजर आते हैं इन दोनों की दंगल फिल्म में देखने हैं बहुत ही मजा आएगा और राघव ये कलरफुल और यू नो थोड़ा सा फिल्म तक एक बहुत ही नाम है। जो इस फिल्म में शायद एक पुलिस ऑफिसर के कैरेक्टर में नजर आ सकते है इसी के साथ साथ राजा अर्चुन जो इस फिल्म में फिरोज नाम का कैरेक्टर निभा रहे हैं जो कि अगेन एक ड्रग माफिया होते हैं उन्होंने अपने कैरेक्टर से एक अच्छा खासा डर करने की कोशिश की है तो ओवरऑल कास्टिंग तो काफी अच्छी है फिल्म का एग्जीक्यूशन भी अच्छा लग रहा है वो आप ये फिल्म देखने जा रहे हैं नहीं हमें कॉमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा एंडग्रा स्टूडियो भारतीय ट्रेन में चोरी करी लाशें बिछाई खून बहाया और बन गया इंडिया का मोस्ट वांटेड फिल्म का विलन जिससे जॉनी विक के मेकर्स भी हुए इंस्पायर्ड वो वायलेंट स्टार आ रहा है एक और फिल्म लेकर जी हाँ दोस्तों मेरा नाम है रोहित और आपका स्वागत है बॉलीग्रेड स्टूडियोज की एक और नई वीडियो में दरअसल फरहान अख्तर अभी एक मोस्ट वांटेड एक्शन ड्रामा लेकर आ रहे हैं जिसका नाम है युद्धरा जिसमें हमें बॉलीवुड एक्टर सिद्धांत चतुर्वेदी नजर आने वाले हैं और मालविका मोहन जैसी साउथ ब्यूटी पर क्या है ना इस फिल्म की चर्चा ना सिद्धार्थ की वजह से हो रही है ना मालविका की वजह से वो बस एक नाम की वजह से हो रही है और वो नाम है राघव जुयाल पता नहीं क्यों इनका बैक टू बैक विलन बनने का हैंगओवर उतर ही नहीं रहा है पर इनका एक्सेप्शनल डांस देखने के बाद एक्सेप्शनल एक्टिंग देखने के बाद हम थोड़ा नशे में हो रहे हैं और इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है उनकी लेटेस्ट फिल्म किल जो की मोस्ट वांटेड फिल्म थी जिसमें एक भागती ट्रेन में ने फिल्म की के तोते उड़ा दिए थे वायलेंट बनकर और चोरी किडनैपिंग और लाशें बिछाकर, बस ब्लड बात था वो और राघव ने जो विलन का कैरेक्टर निभाया था उसमें उसके साइको और इमोशन दोनों साइड हमें देखने को मिले और उस कैरेक्टर को इंडिया में तो सर पर उठा ही लिया था पर टोरेंटो तो फिल्म फेस्टिवल में विदेशियों ने भी उसके लिए तालियां बजाई और इस फिल्म का जॉनी विक जैसी मास्टर वायलेंट हॉलीवुड फिल्म के डायरेक्टर ने हॉलीवुड रीमेक बनाने का सोचा जिसमें राघव का भी बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है विलन के तौर पर और इतना ही नहीं बल्कि राघव ने किल से पहले भी एक बार नेगेटिव रोल किया है जैसे फैंटेसी थ्रिलर सीरीज ग्यारह ग्यारह में जिसमें वो पुलिस इंस्पेक्टर बने थे और एक दुखी आत्मा टाइप कैरेक्टर उन्होंने प्ले किया था और उस परफॉर्मेंस को देखने के बाद उन्हें किल के लिए करण जौहर ने ऑफर दिया था और अब वो हैट्रिक करने जा रहे हैं युद्धरा के साथ और उसके लिए एक लेवल आगे जाकर उन्होंने खुद को ताकतवर बनाने के लिए बॉक्सिंग की ट्रेनिंग भी ले ली है ताकि वो सिद्धार्थ के साथ दंगल फाइट कर सके इतना ही नहीं बल्कि युद्धा में उनका कैरेक्टर थोड़ा सा सन की हो सकता है एक मास्टर माइंड की तरह का कैरेक्टर हो सकता है लुक को लेकर बात करें तो नॉर्मल ही लुक होगा पर इस बार उन्हें हीरो से एक इंच भी कम नहीं दिखाया जाएगा और हमें गारंटी है कि राघव हर बार की तरह इस कैरेक्टर को भी जस्टिस देंगे और अगर बैक टू बैक वो ही नेगेटिव रोल करते रहे और ऑडियंस उन्हें चेयर अप करती रही तो डेफिनेटली उन्हें बॉलीवुड का न्यू यंग विलन कहना गलत नहीं होगा और इनका करियर भी कुछ लॉर्ड बॉबी की तरह ही होगा क्योंकि बॉबी के करियर में अब वो विलन बनकर ही छा रहे हैं और राघव भी अपना करियर कुछ इसी तरह सेट करने में लगे हैं इसलिए उन्हें भी अभी का का लॉर्ड बॉबी कहने भी मन करता है जो बस आंखों से ही एक्टिंग करता है वैसे राघव को अभी यही ब्रेक लगाते हैं और उसके साथ साथ सिद्धार्थ और मालविका की भी बात करनी है तो मालविका इसमें निखत नाम का कैरेक्टर निभाएंगी और सिद्धांत युद्ध नाम का और इस फिल्म के लिए शायद उन्हें मार्शल आर्ट एमएमए, किकबॉक्सिंग एंड जिट्सू भी सीखना है मतलब ये तीन भी तगड़े फॉर्म में नजर आएंगे और सिद्धांत मालविका के रोमांटिक पेयर को कैसे राघव की नजर लगेगी ये फिल्म का हाईलाइट होगा पर कुछ भी हो भाई ये फिल्म एक डब्ल्यू डब्ल्यू से कम नहीं होने वाली जो हमें 20 सितंबर को देखने को मिलेगी तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही हम फिर मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ सिद्धांत चतुर्वेदी और मालविका स्टारर युधरा का धासु ट्रेलर लॉन्च हो गया है मूवी में सिद्धांत टाइटल रोल युधरा निभा रहे हैं जबकि राघव जुएल खतरनाक विलन शफीक के रोल में है बतौर विलन ये राघव की दूसरी मूवी है ये एक्शन थ्रिलर मूवी है इसमें वायरस की भरमार है सिद्धांत बड़े पर्दे पर इससे पहले कभी सफ्तार में नहीं दिखे थे मूवी में रोमांस और एक्शन का मिक्सचर दिखाया गया है इसका बैक ग्राउंड म्यूजिक भी बहुत ही दमदार लग रहा है ये मूवी बीस सितम्बर को सिनेमाघरों में रिलीज होगी युद्धा में सिद्धांत चतुर्वेदी मालविका और राघव जुएल के अलावा गजराज राव राम कपूर राज अर्जुन और शिल्पा शुक्ला जैसे कलाकार नजर आएंगे ट्रेलर में सबका अलग अंदाज और लुक नजर आ रहा है राम कपूर का स्क्रीन प्रेजेंस भी काफी सॉलिड है मूवी को मॉम से पॉपुलर हुई डायरेक्टर रवि ने डायरेक्ट किया है युद्धा के कुछ सीन्स तेलुगू सुपर स्टार अलू अर्जुन की साल 2018 में आई मूवी ना पेरू सूर्या ना इल्ला इंडिया के सीन से मिलती जुलती है युद्रा की तरह ही सूर्या में भी अलू का किरदार सूर्या गुस्से की वजह से आर्मी से निकाल दिया जाता है उसी तरह का वायलेंस करता है देशभक्ति रोमांस का एंगल भी है सूर्या ब्लॉक हुई थी युधरा का अभी सिर्फ ट्रेलर आया है मूवी रिलीज होने के बाद पता चलेगा कि क्या ये उसका रीमेक है या नहीं खैर सिद्धांत चतुर्वेदी का ये आंग्री यंग मैन वाला किरदार लोगों को अट्रैक्ट कर रहा है मालविका के साथ उनकी जोड़ी फिट लग रही है वही कल के बाद राघव जुएलनी ने रोल में जो पॉपुलरिटी पाई है वो नेगेटिव रोल युधरा में भी देखने को मिल रहा है रवि उद्यावर द्वारा निर्देशित युधरा एक मनोरंजक एक्शन कहानी है जिसमें बीच में थोड़ा रोमांस भी डाला गया है ऐसा दिखाया गया है कि युद्धरा को गुस्सा बहुत आता है और वो इस पर कंट्रोल नहीं कर पाता लोग उसे उसके बाप से कंपेयर करते हैं क्योंकि वो भी बहुत ही जिद्दी था और उसे पंगे लेने का भी शौक था मूवी का निर्माण प्रसिद्ध रितेश सिद्धवानी और फरहान अख्तर ने किया है जिन्हें ब्लॉकबस्टर हिट देने के लिए जाना जाता है ट्रेलर को देखकर आप सिद्धांत को बॉलीवुड का अगला एंग्री यंग मैन कह सकते हैं ये किरदार उनके पिछले सभी किरदारों से बिल्कुल अलग होने वाला है आपको खूब सारी मार धाड़ और खून खराबा देखने को मिलेगा सिद्धांत चतुर्वेदी अपनी आने वाली एक्शन थ्रिलर मूवी युद्धा से दर्शकों को सरप्राइज करने के लिए बिल्कुल तैयार है ट्रेलर में सिद्धांत को एकदम हाई ऑक्टेन अवतार में दिखाया गया है जो निश्चित रूप से ऑडियंस को काफी पसंद आएगा ट्रेलर में उनका एक बहुत ही इम्पैक्टफुल डायलॉग है जहाँ वो कहते हैं मैं भी थोड़ा गर्म होकर आता हूँ ऐसा बोलकर वो प्रेस में रखा गरम गरम कोयला अपने मुंह पर मल लेते हैं मूवी में लीड प्रेस के तौर पर साउथ इंडस्ट्री का जाना माना नाम मालविका नजर आएंगी सिद्धांत के साथ कई एक्शन पार्क सीन्स करती भी नजर आएंगी मूवी में एक्शन पैकेज के तौर पर राघव जुअल नजर आएंगे किल में अपने खुंखार बुलन के रोल में उन्होंने दर्शकों पर जो गहरी छाप छोड़ी थी उसके बाद तो सभी लोग उनके कायल हो गए थे सिद्धांत को इस कैरेक्टर में देखने के लिए मोस्टली ऑडियंस एक्साइटेड है कुछ ऐसा जो अधिक गांस ऑडियंस ने सोचा था कि ये उनके कंफर्ट जोन से बाहर होगा उनके किरदार के लेखन के बारे में भी कुछ टिप्पणियाँ की गई हैं जिसमें एक ऑडियंस ने कहा जिसने भी इस मूवी के लिए डायलॉग लिखे हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज अब से हर हिंदी एक्शन मूवी के लिए डायलॉग लिखे कि वास्तव में फिट बैठता है मुझे विश्वास नहीं होता कि वे सिद्धांत चतुर्वेदी को एक बदमाश बनाने में कामयाब रहे लेकिन सभी कलाओं की तरह में कुछ संदेह भी है कई लोगों को लगता है कि सिद्धांत को, को शानदार ढंग से गलत तरीके से कास्ट कर लिया गया था रेडिट पर एक यूजर ने कहा अगर उन्होंने किसी दूसरे अभिनेता को चुना होता तो ये कुछ अलग हो सकता था डब किए गए डायलॉग्स के बारे में भी चर्चा हुई एक और उचित प्रतिभा को बड़े पैमाने पर एक्शन फिल्मों में शामिल किया गया है जिसमें एक ऐसा कैरेक्टर है जो लड़ता है और हर समय गुस्से में रहता है जो बड़े ऑडियंस को आकर्षित करता है जबकि उसके पास इसे खींचने के लिए आभा नहीं है एक और ने कहा हालांकि ट्रेलर ने उत्साह और संदेह दोनों को जन्म दिया है लेकिन ये स्पष्ट है कि यधुरा एक ऐसी मूवी होगी जो एक स्थायी छाप छोड़ेगी यधुरा को एक फैक्ट्री वर्कर के रूप में दिखाया गया है जिसमे हिंसक नेचर है जिसे तब दर्शाया गया है जब वो एक सहकर्मी का हाथ मशीन में कुचल देता है गुस्से के साथ उसका संघर्ष उसकी प्रेमिका यानी मालविका के साथ उसके रिश्ते से और भी जटिल होता जाता है जो उससे अपने गुस्से पर कंट्रोल रखने की विनती करती रहती है जैसे जैसे ट्रेलर आगे बढ़ता है यधुरा के परेशान अतीत के संकेत सामने आते हैं जो ये सुझाव देते हैं कि उसके पिता के पास भी ऐसी ही समस्या थी कहानी तब और भी इंटरेस्टिंग हो जाती है जब यधुरा को ड्रग माफिया को खत्म करने का खतरनाक काम सौंपा जाता है जिसमें गजराज राव राम कपूर राजाजुन राघव जुअल और शिल्पा शुक्ला जैसे कई अन्य किरदार शामिल होते हैं मूवी मॉम में अपने भावनात्मक रूप से प्रभावशाली निर्देशन के लिए प्रसिद्ध रवि अपनी अपकमिंग मूवी यधुरा के साथ एक नई और मनोरंजक कहानी पेश करने को बिल्कुल तैयार है मानवीय भावनाओं को गहराई से समझने की अपनी क्षमता के लिए जाने जाने वाले रवि ने वादा किया है कि यदुरा बदला और त्रासदी की एक आकर्षक खोज होगी हाल ही में एक इंटरव्यू में रवि ने यदुरा को लेकर बताया कि ये एक क्लासिक बदला दुखद त्रासदी की कहानी है जिसमें मूवी के मूलभूत तत्वों पर प्रकाश डाला गया है उन्होंने विस्तार से बताया कि ये सबसे अच्छा ढांचा है जिस पर उन्होंने एक डिज़ाइन के रूप में काम किया है और ये एक ऐसे बच्चे के बारे में है जो अपने गुस्से और क्रोध को कंट्रोल नहीं कर सकता और ये उसके साथ क्या करता है इसे पता चलता है कि मूवी अपने केंद्रीय चरित्र के मनोवैज्ञानिक और भावनात्मक संघर्षों में डूब जाएगी जो कालातीत विषयों पर एक आधुनिक मोड़ प्रदान करती है अभिनेत्री मालविका ने अपनी आगामी हिंदी मूवी यधुरा के लिए अपनी सारी हदें सारी हिचक दूर कर दी है गुरुवार को रिलीज हुई मूवी के ट्रेलर में वो अपने कलाकार सिद्धांत चतुर्वेदी के साथ अतरंग सीन्स करती नजर आई उनके हॉट लुक ने नटजेंस का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है और उनका नाम पर यानी जिसे पहले ट्विटर कहा जाता था उस पर हैश मालविका के साथ ट्रेंड कर रहा है एक्शन ड्रामा और दमदार अभिनय का मिश्रण है जिसमें मालविका का साहसी चित्रण पहले से ही चर्चा का विषय बना हुआ है है मूवी को सिनेमा में आने वाली है और इसे लेकर चर्चाओं के बीच बहुत ही ज्यादा एक्साइटमेंट भी है बॉलीवुड एक ऐसी जगह है जहां हर दिन करोड़ों लोग एक्टर बनने का सपना लेकर आते हैं किसी का सपना पूरा हो जाता है तो कई निराश होकर अपने घर वापस लौट जाते हैं इस लिस्ट में कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो अपना सपना पूरा करने के लिए जी जान ही कर देते हैं पर हार नहीं मानते इन्हीं सितारों में से एक है सिद्धांत चतुर्वेदी एक्टिंग से पहले सिद्धांत सीए की पढ़ाई कर रहे थे मगर पढ़ाई छोड़कर उन्होंने एक्टर बनने के लिए ऑडिशन देना स्टार्ट कर दिया लगभग हर चमकते सितारों के बीच एक संघर्ष भरी कहानी होती है उनमें से सिद्धांत चतुर्वेदी की भी एक है अपने हुनर से लोगों के दिलों में अपने लिए जगह बनाने वाले सिद्धांत का भी सफर बिल्कुल आसान नहीं था बॉलीवुड डेब्यू करने से पहले उत्तर प्रदेश के बलिया के रहने वाले सिद्धांत चतुर्वेदी लगभग एक साल तक खाली बैठे थे उनके पास काम करने के लिए कुछ भी नहीं था सिद्धांत चतुर्वेदी का जन्म 29 अप्रैल 1993 को उत्तर प्रदेश के बागी जिले बलिया में हुआ था आप बागी बलिया से ताल्लुक रखने वाला लड़का आकर कैसे बन गया बलिया से मुंबई तक का सफर तो आसान होगा नहीं ऊपर से सपना सीए बनने का था। दरअसल सिद्धार्थ पांच साल के थे तो वो मुंबई आ गए थे पिता एक सीए थे वहीं माँ हाउसवाइफ उन्होंने मुंबई के मीठी बाई कॉलेज में पढ़ाई की थी सपना सीए बनने का था मगर शौक के लिए स्टेज पर एक्टिंग कर लिया करते थे उसके बाद जब वो सीए आर्टिकलशिप कर रही थी तो उसमें उनका मन ही नहीं लगा और उन्होंने थोड़े समय के लिए ब्रेक ले लिया फिर 2013 में आक्र ने फ्रेश फेस में हिस्सा लिया और उसे जीत भी लिया सिद्धांत चतुर्वेदी ने इंडस्ट्री में अपने करियर की शुरुआत साल 2016 में की थी उन्होंने अपने करियर की शुरुआत वेब सीरीज लाइफ सही है और इनसाइड इससे से की थी हालांकि उन्हें मूवी गली बॉय से नेम और फेम मिला इसमें उनकी एक्टिंग ने सभी का दिल जीत लिया था इसके बाद उन्होंने यशराज के बैनर तले बनी मूवी बंटी बन और बबली में काम किया इसमें उनके साथ आक्रेस रानी मुखर्जी और सैफ अली खान लीड रोल में थे फिर शकुन बत्रा के साथ एक्टर ने रोमांटिक ड्रामा मूवी गहरा में काम किया इसमें वो दीपिका पादुकोण और अनन्या पांडे के साथ स्क्रीन शेयर करते दिखे थे इसके अलावा सिद्धांत को कैटरीना कैफ और ईशान खट्टर की मूवी कौन भूत में भी देखा गया था फिल्मों के अलावा सिद्धांत चतुर्वेदी अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर भी काफी चर्चा में रहते हैं वो अमिताभ बच्चन की नाति नव्या नंदा को डेट करने को लेकर खूब सुर्खियों में रहे हैं इनके लिंकअप की खबरें मीडिया में खूब रही हैं हालांकि एक्टर ने अपने रिलेशनशिप को लेकर कभी बात नहीं की थी उन्होंने अफेयर की खबरों पर अपना रिएक्शन दर्ज कराते हुए कहा था कि काश ये सच होता नव्या और सिद्धांत को इस बीच साथ में काफी स्पॉट किया जाता रहा जिसकी वजह से इनके लिंकअप की खबरें खूब रही हैं। वहीं सिद्धांत के बयान से भी एक बात तो साफ हो गई थी कि वो नव्या को डेट करना चाहते हैं सिद्धांत चतुर्वेदी की आने वाली मूवी युद्धा का पहला गाना रिलीज हो गया है निर्माताओं ने यूट्यूब पर साधला नाम के ट्रैक का वीडियो रिलीज किया है क्लिप की शुरुआत सिद्धांत और मालविका मोहनन के बीच पर एक शानदार माहौल से होती है दोनों सफेद आउटफिट में बेहद खूबसूरत लग रहे हैं जहां मालविका स्विमिंग सूट में शानदार दिख रही हैं, वहीं सिद्धार्थ ने बिना बटन वाली शर्ट पहन रखी है जिसमें उनके छेनीदार एप्स दिख रहे हैं दोनों एक दूसरे की ओर दौड़ते हैं और एक दूसरे को गले लगाते हैं फिर हम उन्हें उस खूबसूरत जगह पर और भी रोमांटिक पलों का आनंद लेते हुए देखते हैं कुछ सेकंड बाद हम उन्हें बाइक की सवारी पर और उसके बाद छत पर डिनर डेट पर भी देखते हैं अल्टीमेटली सिद्धांत और मालविका पूल में अच्छा समय बिताते हैं और किस करते हुए दिखाई देते हैं। साथिया में विशाल मिश्र और प्रतिभा सिंह ने अपनी आवाज दी है शंकर एहसान लॉय ने इस रोमांटिक ट्रैक का संगीत तैयार किया है और गीत जावेद अख्तर ने लिखे हैं थर्सडे को निर्माताओं ने युद्धा का ट्रेलर रिलीज किया जिसमें कई बेहतरीन एक्शन सीक्वेंसेस दिखे वीडियो की शुरुआत एक वॉइस ओवर से होती है अभी चक्रव्यूह में घुसना जानता था लेकिन बच कर निकलना नहीं सीख पाया फिर हम सिद्धांत चतुर्वेदी के किरदार युद्रा को गुंडों से लड़ते हुए देखते हैं और कहते हैं काफी गर्मी है तुम लोगों में मैं भी थोड़ा गर्म हो जाता हूँ फिर वो लोहे से गर्म कोयला निकालता है और अपने चेहरे पर लगा लेता है और सिलाई मशीन से एक व्यक्ति के हाथ चल देता है वॉइस ओवर आगे कहता है तुमने सोचा कि मैं अभिमन्यु हूँ लेकिन मैं उसका पिता अर्जुन हूँ साउथ की एक्ट्रेसेस ब्यूटी विद ब्रेन के लिए पहचानी जाती हैं। परफॉर्मेंस के लेवल पर भी उन्होंने अपने लिए एक अलग ही स्टैंडर्ड सेट कर दिया है पिछले कुछ टाइम में माहौल भी ऐसा सेट हुआ कि पब्लिक आंख बंद करके साउथ स्टार्स पर भरोसा करने लगी है स्टार्स ने भी जनता की उम्मीदें पूरी की है लेकिन साउथ से थोड़ा इधर को निकलते ही ऐसा माहौल बदलता है कि साउथ में अच्छा खासा परफॉर्म कर रहे स्टार्स भी एक्टिंग से किनारा करते नजर आते हैं अब या तो उन्हें मौका अच्छा नहीं मिलता या पैसे के चक्कर में वो ऐसा कर जाते हैं लेकिन फैंस के साथ तो थोड़ा धोखा हो गया ना वैसे तो ऐसे कई एग्जाम्पल हैं लेकिन फिलहाल बॉलीवुड का शिकार हुई हैं मालविका मोहनन मालविका मोहनन एकदम सही ट्रैक पर आगे बढ़ रही थी फिर उनकी लाइफ में आई बॉलीवुड की युद्रा उन्होंने यकीनन इसमें कोई पोटेंशियल देकर ही साइन किया होगा लेकिन मूवी मेकर उनका सही इस्तेमाल नहीं कर पाए और जिस तरह से उन्हें प्रेजेंट किया वो काफ़ी डिसअपॉइंटिंग लगा मतलब अगर एक अच्छी एक्ट्रेस को ऑनबोर्ड ले आए थे तो कम से कम एक्टिंग करवा लेते उन्हें बोल्ड स्टाइल में प्रेजेंट करने की क्या नीड थी और वो भी फुल कॉपी पेस्ट मूवी का लेटेस्ट रिलीज म्यूजिक वीडियो साथिया को अगर आप देखते हो तो आपको दीपिका पादुकोण और सिद्धांत चतुर्वेदी की गहराइयां याद आ जाएगी अब सामने से देखेंगे तो मालविका और दीपिका की शक्ल में जमीन आसमान का फर्क है लेकिन यहाँ सिनेमेटोग्राफी ने कमाल दिखाया है वो मालविका को ऐसे एंगल से दिखाते हैं कि वो बिल्कुल दीपिका पादुकोण लग रही थी टू तो बी ऑनेस्ट जो सिजलिंग केमिस्ट्री दिखाने की कोशिश की गई वो बहुत ही फेक सी लगी देखकर समझ आ रहा है कि एक्टिंग और अपने क्राफ्ट में माहिर मालविका के लिए इस स्क्रीन में उतरना उतना आसान नहीं था गली बॉय में मुंबई के अंडरग्राउंड हिप हॉप सीन में कॉन्फिडेंट रैपर का रोल करने के बाद सिद्धांत को बहुत तारीफें मिली और इसने उनके भविष्य के लिए इंडस्ट्री में रास्ता खोल दिया खो गए हम कहां से सिद्धांत ने अपने टैलेंट का एक नया पहलू दिखाया था उन्होंने इमाद अली का रोल इतनी खूबसूरती से निभाया जो एक युवा आदमी है जो अपने करियर और पर्सनल ग्रोथ के प्रेशर का सामना कर रहा है खो गए हम कहाँ में सिद्धांत को गहरे इमोशंस को एक्सप्लोर करने का मौका दिया गया और ये दिखाया कि वो कॉम्प्लेक्स और सेंसिटिव चीज़ों को असली गहराई और ईमानदारी के साथ हैंडल कर सकते हैं सिद्धांत अब युद्धरा नामक एक्शन से भरी थ्रिलर मूवी में नजर आएंगे जिसमें वो युद्रा के रूप में बदले की आग में जलते हुए किरदार को निभाएंगे जो उनकी एक्टिंग का एक गहरा और गंभीर पहलू दिखाएगा फैंस को उम्मीद है कि ये सिद्धांत की एक और बेहतरीन भूमिका साबित होगी सिद्धांत चतुर्वेदी का गली बॉय से युद्रा में जबरदस्त ट्रांजेक्शन एक एक्टर के तौर पर वो कितने ग्रो हुए ये दिखाता है एक स्मार्ट स्ट्रीट से लेकर एक कॉम्प्लेक्स एक्शन हीरो तक बहुत अलग अलग भूमिकाएं निभाने की उनकी क्षमता पर रोशनी डालता है एक्सेल एंटरटेनमेंट के बैनर तले रितेश सिद्धवानी और फरहान अख्तर द्वारा निर्मित युदरा बीस सितंबर को सिनेमाघरों में रिलीज होने के लिए बिल्कुल तैयार है मूवी में गजराज राव राम कपूर राजा अर्जुन और राघव जुएल सहित कई शानदार सहायक कलाकार भी हैं श्रीधर राघवन ने योद्रा मूवी की स्क्रिप्टिंग की है वल आपको बता दें कि आईफा इस पर और भी ज्यादा खास होने जा रहा है दरअसल इस महीने के अंत में आयोजित होने जा रहे इस भव्य संगीत में कार्यक्रम की मेजबानी करने के लिए अभिनेता सिद्धांत चतुर्वेदी और अभिषेक बैनर्जी को चुना गया है सत्ताईस से 29 दिसंबर तक होने जा रहा ये समारोह लगातार तीसरी बार अबू धाबी के यास द्वीप पर आयोजित किया जाएगा आईफा रॉक्स को गीत डांस मूवी फैशन का एक शानदार मिश्रण माना जाता है जिसमें लोकप्रिय कलाकार अपने लाइव प्रदर्शन से लोगों को मंत्र कर देते हैं कार्यक्रम की मेजबानी करने को लेकर सिद्धांत काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हैं। उन्होंने कहा मैं आईफा रॉक्स की मेजबानी करने के लिए बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हूँ एक ऐसा मंच है जो मेरे दिल के बहुत ही करीब है उनके लिए ये मंच इसलिए भी ज्यादा खास है क्योंकि साल 2020 में उन्होंने सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता का

मूवी में रोल ठुकराने के लिए उनकी काफ़ी आलोचना की गई और मेकर्स ने भी उनसे मुंह मोड़ लिया था यहाँ तक कि कास्टिंग डायरेक्टर भी इस बात से हैरान था कि आखिर सिद्धांत किसी रोल के लिए इनकार कैसे कर सकते हैं अपने बचाव में सिद्धांत ने कहा कि उन्होंने इस मूवी से इनकार कर दिया था क्योंकि उन्हें मूवी की स्क्रिप्ट नहीं दी गई थी राघव योद्रा मूवी में एक बार फिर विलन के रूप में अपना दबदबा बनाने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। योद्रा के अलावा उनकी मूवी ग्यारह ग्यारह के प्रमोशन में भी वो बिजी थे जो कि कोरियन सीरीज सिग्नल का हिंदी अडाप्शन है इस फैंटेसी थ्रिलर सीरीज में राघव एक पुलिस वाले का कैरेक्टर निभा रहे हैं इसी सीरीज के प्रमोशन के सिलसिले में उन्होंने लल्लन टॉप से बात की इस इंटरव्यू में उन्होंने शाहरुख खान के साथ पार्टी करने का एक्सपीरियंस भी शेयर किया है इसे उन्होंने अपनी जिंदगी का सबसे यादगार पल बताया है इसके अलावा राघव ने भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी और रानी मुखर्जी की वाइफ पर भी बात की है राघव ने लल्ल टॉप सिनेमा से बात करते हुए बॉलीवुड पार्टियों में जाने पर बात की उनसे पूछा गया कि क्या वो पार्टियों में जाते हैं इस पर उन्होंने कहा जब लोग बुलाते हैं शाहरुख सर का बर्थडे था मैं कैसे नहीं जाऊंगा मैं वहां सुबह छह बजे तक रुका हूं सिर्फ इसलिए क्योंकि मेरा एक सपना था मैंने देखा है कि शाहरुख सर सबको गाड़ी तक छोड़ कर आते हैं मेरा सपना था कि मैं शाहरुख सर को गाड़ी तक छोड़ू मैं और मेरा दोस्त था ईशान वो हमारे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण और यादगार मोमेंट है मैं आखिर तक रुका मैंने सर को छोड़ा एक सपना पूरा हो गया मुंबई आकर आज अपन राजा है मुंबई का किंग कौन वाला फीलिंग आ रहा है इस बात में उनसे शाहरुख की पार्टी के बारे में पूछा गया इसके बारे में राघव ने कहा बहुत क्लासी बहुत अच्छा और बहुत मजा आता है यार ऐसा नहीं होता कि उनकी पार्टी है तो सब उनसे ही टिपके होते वहा हमारे भी दोस्त हैं सब मजे करते हैं बातचीत करते हैं मैं थोड़ा खुला आदमी हूँ मैं वाइब देखता हूँ कि किसके साथ मुझे मजा आएगा भले ही वो वेटर्स का ग्रुप हो मैं उनके साथ भी मजे कर लेता हूँ मुझे बोर नहीं होना ये मेरा मन है इसके अलावा राघव ने ट्रिस्ट को भी एक इंटरव्यू दिया था इसमें उन्होंने महेंद्र सिंह धोनी और रानी मुखर्जी के साथ हैंग करने पर बात की वो बोले जैसे मुझे धोनी भैया मिल गए थे वहां सच्ची बताऊ तो ना तो मैं क्रिकेट देखता हूँ और ना ही फॉलो करता हूँ लेकिन धोनी भैया का मैं बहुत बड़ा फैन हूँ उनकी रील्स बहुत देखता हूँ सिर्फ क्रिकेट के बारे में नहीं लाइफ के बारे में भी बहुत कुछ सिखाते हैं और लीडरशिप क्वालिटी ये उनसे सीखना है क्योंकि मेरी लाइफ में मुझे उसकी बहुत ही जरूरत है उनकी वाइफ साक्षी देहरादून से है उनके अंदर भी देहरादून है तो मेरी उनसे वाइफ मैच हो गई हमने मजे किए और खूब डांस भी किया वहां रानी मुखर्जी भी थी मैंने उनसे कहा कि एक बार कुछ कुछ होता है वाला स्टेप भी कर दो खैर ग्यारह ग्यारह नाम की सीरीज में राघव जुएल के साथ कृतिका कामरा और धैर्य करवा भी मुख्य भूमिकाएं निभा रहे हैं ये आठ एपिसोड की सीरीज है जो 9 अगस्त को Z5 पर रिलीज हो चुकी है इसके अलावा राघव किल में भी नजर आए थे जिसमें उनके काम की बड़ी तारीफ हुई इसमें उनके साथ लक्ष्य लालवानी और ताना मनी कतला भी अहम रोल्स में थे किल को कई इंटरनेशनल मूवी फेस्टिवल में प्यार मिला है इसके अलावा जॉन विक के मेकर्स ने किल के रीमेक राइट्स भी खरीद लिए हैं वो इस मूवी को हॉलीवुड में रीमेक करेंगे अगर युद्धा से पहले किल की बात करें तो राघव ज्वेल के विलन के रोल की तो बात ही अलग है किल में लक्ष्य लालवानी ने अमृत नाम के एनएस कमांडो का रोल प्ले किया है इस रोल के लिए कोई ऐसा एक्टर चाहिए था जो ये सब करने के लिए ट्रेंड हो लक्ष्य इस रोल में फिट हो जाते हैं मनी मणिकतला ने तुलिका का रोल किया है उनका स्क्रीन टाइम लिमिटेड है मगर वो प्रभावित करती हैं। इस मूवी की असली खोज है राघव ज्वेल उन्होंने फनी का रोल किया है राघव डांसर हैं उन्हें हमने आमतौर पर डांस रियलिटी शोज में होस्टिंग और कॉमेडी करते देखा है यहां पर आपको उनका अलग ही रूप देखने को मिलता है राघव ने किल में जो काम किया है उसे देख आप कल्पना भी नहीं कर पाएंगे कि याद आदमी कॉमेडी करता होगा प्रॉपर एक्टर मटेरियल इनके अलावा मूवी में आशीष विद्यार्थी और हर्ष छाया जैसे एक्टर्स ने भी काम किया है अनदेखी के बाद हर छाया को इस तरह के फिलर रोल्स में देखकर कौफ्ट होती है मगर आशीष विद्यार्थी मूवी में वजन लेकर आते हैं उनके स्क्रीन पर आने के बाद आपको लगता है कि मामला सीरियस हो गया है कल का जो सेटअप है उसकी बात मूवी की टेक्निकल क्रू की तरफ से बिना नहीं हो सकती राफे महमूद की सिनेमेटोग्राफी आपको घुटने टेकने पर मजबूर कर देगी आपको आईडिया होगा कि इतनी कम जखम इतना सारा एक्शन कर पाना कितना मुश्किल है जो एक्शन हो रहा है उसे डिजाइन किया है परवेश शेख और से योंग ओ ने किल के एक्शन सीक्वेंसेस की मजेदार बात यह है कि इनमें किसी फैंसी हथियार का यूज ही नहीं हुआ है जो डकैतों के पास जो छुरी खोखरी और कटार जैसे हथियार होते हैं बस वही है जो बचाव पक्ष है उसके पास तो और भी कुछ नहीं है अमृत को किसी तरह ट्रेन की चादर और सीटों के आसपास लगे हैंडल से ही काम चलाना पड़ता है ऑथेंटिसिटी भी बची रह गई और दुश्मन भी मर गए राघव पहली बार इस किस्म के रोल में दिखे हैं कहानी बहुत सिंपल है लक्ष्मी अमृत नाम का रोल प्ले किया ये बंदा इंडियन आर्मी का कमांडो है खतरनाक किस्म का उनकी मंगेतर को एक ट्रेन में किडनैप कर लिया जाता है राघव के किरदार बेनी के गुंडे ऐसा करते हैं आगे अमृत मार काट मचाता है ऐसा एक्शन करता है कि आप सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि यार ये मूवी सिनेमा घरों में कैसे रिलीज हो गई खंजर घुसाया जा रहा है, लात मारकर गर्दन की हड्डी बाहर निकाल दी सिर में आग लगा दी एक शख्स को मारकर ऐसे लटकाया कि राघव का किरदार कहता है ऐसे कौन मारता है बे, तुम रक्षक नहीं राक्षस हो किल ने कुछ ऐसा अटेम्प्ट किया है जिससे भारतीय सिनेमा अब तक दूरी ही बना रहता है वो है बिना रोक टोक वाला वायलेंस लंबे समय तक हमारे सिनेमा के लिए शारीरिक हिंसा मजाक का सबब बनी रही डिशुम डिशुम की 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 आवाज वाले वाले मुक्कों के साथ हीरो हीरोइन को बचा लेता था सिनेमा की बनी बनाई लहर में अपने फ्लेवर की, करशी चलाने अनुराग कश्यप ने बिना झिझक के वायलेंस दिखाने की कोशिश की मगर वो खुद मानते हैं कि गैंग्स ऑफ वोसिपो टू का क्लाइमैक्स यादगार तो नहीं खून खराब और अमधीर सिंह के शरीर के उड़ते चित्रों से समझ आ रहा था कि मेकर जो चाहते थे वो नहीं हो पाया बीते कुछ समय में लोकेश ने वायलेंस को तरीके से दिखाने की कोशिश की है लियो के टाइनर वाले सीन में विजय ने हड्डियां जबड़े सब तोड़े बाकी संदीप रेडी वांगा के एनिमल ने इंडियन सिनेमा में हिंसा के बारे को ऊपर उठाने की हल्की कोशिश की गले कट रहे थे कुल्हाड़ी चल रही थी कारपेट का रंग खून से लाल हुआ जा रहा था इन सब रेफरेंस के बाद भी किल ने जो किया वो अब तक अपने यहां ट्राई नहीं हुआ है डांस की दुनिया में कॉकरोच बनकर फैंस के दिलों पर राज करने वाले राघव ज्वेल का जन्म 10 जुलाई 1991 को हुआ था देहरादून मेजर में, में राघव ज्वेल इंडस्ट्री में अपने डांस के लिए बहुत ही फेमस है राघव ने डांस इन रियालिटी शो डांस इंडिया डांस में अपने स्लो मोशन से हर किसी को इम कर दिया था जब स्टेज पर आते ही राघव ने अपना स्लो मोशन दिखाया तो हर कोई उनका ये टैलेंट देखता ही रह गया आज राघव ज्वेल ने टीवी से लेकर बॉलीवुड में अपनी अलग ही पहचान बना ली है ऐसे में हम आपको आज बताएंगे कि स्लो मोशन किंग का नाम कॉकरोच कैसे पड़ा बता दे कि राघव एक बार मगरमच्छ का कोई प्रोग्राम देख रहे थे उस टाइम पर प्रोग्राम को देखते हुए उन पर एक कॉकरोच आकर गिर गया इसके बाद उनका नाम कॉकरोच पड़ गया था वही रियलिटी शो डांस इंडिया डांस थ्री में भी राघव को हर कोई कॉकरोच के नाम से ही बुलाता था राघव ज्वेल इन दिनों अपनी हालिया रिलीज किल को लेकर बहुत ही ज्यादा चर्चा में बने हुए हैं राघव जोवैल अब डांसर के साथ साथ एक एक्टर भी बन चुके हैं उन्होंने सलमान खान की मूवी किसी का भाई किसी की जान से बॉलीवुड में डेब्यू किया था इस मूवी में आकर शहनाज गिल भी नजर आई थी हालांकि मूवी के साथ साथ राघव और शहनाज को लेकर भी कई अफवाह उड़ी थी कि दोनों कुछ महीने से एक दूसरे को डेट कर रहे हैं टाइम्स नाउ की एक रिपोर्ट के अनुसार शहनाज और राघव अपने रिश्ते को सीक्रेटली ही रखना चाहते हैं रूमट कपल इस बात का भी खास ख्याल रखते हैं कि वो किसी जगह पर साथ में स्पॉट ना हो हालांकि इन खबरों में कितनी सच्चाई है इस बात का पता तभी चल पाएगा जब राघव या शहनाज गिल इस पर कोई रिएक्शन देंगे बता दें कि राघव जुअल उत्तराखंड के देहरादून के रहने वाले हैं उनके पिता दीपक जुअल वकील है जबकि माँ का नाम अलका बख्शी है राघव के पिता गढ़वाली हैं, जबकि मां पंजाब से ताल्लुक रखती हैं। राघव इन दिनों अपनी मूवी किल से फैंस को इम्प्रेस कर रही हैं वहीं अगर राघव ज्वेल की रूमर्ड गर्लफ्रेंड शहनाज गल की बात करें तो महज इक्कीस साल की उम्र में अब शहनाज ने मॉडलिंग शुरू की तो परिवार इसके खिलाफ था जब शहनाज के परिवार वाले उन पर शादी का दबाव बनाने लगे तो उन्होंने घर छोड़ दिया शहनाज की जिंदगी एक ट्रेजेडी वो रही जब उनका बॉयफ्रेंड उन्हें रोते हुए सड़क पर छोड़ गया शहनाज कई बार रिश्तों और हालातों से हार कर आत्महत्या करना चाहती थी लेकिन उनकी किस्मत में कुछ और ही लिखा था बिग बॉस थर्टीन में उनकी नजदीकियां सिद्धार्थ शुक्ला से बढ़ी दोनों ने कभी खुलकर अपने रिश्ते पर बात नहीं की दोनों ने कभी खुलकर अपने रिश्ते पर बात नहीं की लेकिन हर कोई दोनों के रिश्ते से वाकिफ था जब 2 सितंबर 2021 को सिद्धार्थ ने शहनाज के हाथों में दम तोड़ा तो सदमे में उन्होंने खुद को डेढ़ महीनों तक कमरे में कैद रखा कुछ महीने के इंतजार के बाद शहनाज ने पहले पंजाबी मूवी हौसला रख से कम किया और फिर सलमान खान ने खुद उनकी मदद कर उन्हें मूवी किसी का भाई किसी की जान से बॉलीवुड डेब्यू करने का मौका दिया आज तीस करोड़ रुपए है कि नेटवर्ट वाली शहनाज कई लग्जरी गाड़ियों की मालकिन है 27 जनवरी 1993 को शहनाज गिल का जन्म अमृतसर के पास ट्वेटेड गांव बीस में हुआ था उनके पिता संतोष सिंह सुख बिजनेसमैन और पॉलिटिशियन हैं, जबकि उनकी मां परमिंदर सिंह हाउसवाइफ शहनाज का एक छोटा भाई शहबाज भी है डलहौजी के डलहौजी हिल टॉप स्कूल से पढ़ाई करते हुए उन्होंने मॉडलिंग की तरफ झुकाव होने लगा उन्होंने स्कूल के दिनों में ही छोटे मोटे मॉडलिंग प्रोजेक्ट लेने स्टार्ट कर दिए थे स्कूलिंग पूरी होते ही उन्होंने बी करने के लिए लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी में दाखिला भी ले लिया था लेकिन उन्होंने मॉडलिंग करने की जिद में पढ़ाई अधूरी छोड़ दी शहनाज के इस कदम से उनके पिता संतोष सिंह बेहद नाराज हुए शहनाज हमेशा से ही अपने घर की लाडली रही थी लेकिन जब शहनाज ने मॉडलिंग करने की जिद नहीं छोड़ी तो पिता से उनके रिश्ते बिगड़ गए शहनाज को मॉडलिंग से दूर रखने के लिए उनके पिता चाहते थे कि वो शादी कर ले। लेकिन वो नहीं मानी बेहद सुंदर हुआ करती थी तो उन्हें लगातार काम मिलता रहता था लेकिन काम के साथ उनकी पिता से अनबन भी बढ़ती ही जा रही थी एक दिन उनका झगड़ा इस कदर बढ़ गया कि शहनाज ने मॉडलिंग और एक्टिंग के लिए अपना घर तक छोड़ दिया साल 2015 में शहनाज के लिए ब्यूटी कॉन्टेस्ट का हिस्सा रही थी जिसकी बदौलत उन्हें म्यूजिक वीडियो शिवदी किताब में काम मिला था हुनर की बदौलत आगे शहनाज माजेदी जट्टी पिंड दिया कुड़ियां जैसे कई म्यूजिक वीडियो का हिस्सा बनी शहनाज को पंजाब में असल पहचान गैरी संधू के गाने ये बेबी से मिली थी उनके काम को देखते हुए उन्हें पंजाबी फिल्मों अकाल काला शाह काला और ढाका में भी काम दिया गया था साल 2019 में सिंगर हिमांशी खुराना और शहनाज गल का झगड़ा पंजाबी फिल्म इंडस्ट्री में बेहद सुर्खियों में रहा था बिग बॉस थर्टीन में आकर हिमांशी खुराना ने दावा किया था कि एक दिन शहनाज पंजाब की सड़कों में उनके मेकअप आर्टिस्ट को रोती हुई खड़ी मिली थी शहनाज को देखते सबसे पहले हिमांशी को कॉल लगाया और बताया कि एक लड़की सड़क पर रो रही है हिमांशी उस समय पंजाब में स्टारम हासिल कर चुकी थी हिमांशी ने मदद के इरादे से शहनाज को अपने घर बुला लिया जब वो घर आई तो पता चला कि शहनाज का बॉयफ्रेंड उन्हें सड़क पर छोड़ अकेला चला गया था जिसे वो बुरी तरह टूट चुकी थी हिमांशी ने शहनाज को अपने घर में खाना खिलाया और फिर कुछ देर बाद वो निकल गई कुछ दिनों बाद जब हिमांशी खुराना का गाना आई लाइक इट रिलीज हुआ तो शहनाज ने इस गाने को जम कर आलोचना की शहनाज ने स्नैपचैट में लाइव जाकर उस गाने को दुनिया का सबसे घटिया गाना बताया इसके साथ ही उन्होंने हिमांशी के लिए भी कई आपातजनक बातें कही थी जब शहनाज का लाइव वीडियो वायरल हो गया तो हिमांशी ने भी सोशल मीडिया पर उनकी बदतमीजी का जवाब दिया इसके बाद से ही दोनों के बीच सोशल मीडिया पर बहस स्टार्ट हो गई इस झगड़े के बीच ही शहनाज गिल को कॉन्ट्रोवर्शियल और पॉपुलर रियालिटी शो बिग बॉस थर्टीन में जगह मिली थी शो के प्रीमियर में सलमान खान के सामने शहनाज ने खुद को पंजाब की कैटरीना कैफ कहकर हर किसी का ध्यान अपनी ओर खींच लिया था शो में शुरुआती कुछ दिन उनका पारस छाबड़ा के साथ नाम जोड़ा गया और उसके बाद उनकी सिद्धार्थ शुक्ला से नजदीकियां बढ़ने लगी थी शहनाज की हाजिर जवाबी और उनकी टूटी फूटी इंग्लिश शो में काफ़ी पसंद की जा रही थी लेकिन जैसे ही इमांशी खुराना शो में बतौर वाइल्ड कार्ड कॉन्टेस्ट शामिल हुई शहनाज़ ने पूरा घर सर पे उठा लिया सलमान खान भी शहनाज़ के रवैये से काफी नाराज हुए थे शो के एक एपिसोड में सिद्धार्थ शुक्ला को शहनाज़ का हाथ मोड़ते हुए और उन्हें परेशान करते देखा गया था जब एपिसोड ऑन एयर हुआ तो महिला आयोग ने इसका विरोध करते हुए आरोप लगाया कि शो में महिलाओं के खिलाफ होने वाले अत्याचारों को बढ़ावा दिया जा रहा है ऐसे में सलमान ने दोनों को फटकार लगाई और उनसे माफी मांगने को कहा था एक वीकेंड का वार एपिसोड में शहनाज गिल ने सलमान से बदतमीजी से बात की थी इस पर सलमान भड़क गए थे और उन्होंने शहनाज को काफी बातें सुनाई थी बाद में जब सलमान खान घर आए तो शहनाज ने उनसे माफी मांगी थी इन सब के बावजूद शहनाज शो की सेकेंड रनर अप रही थी बिग बॉस 13 खत्म होने के बाद शहनाज के पिता संतोष सिंह सुख ने स्पॉट बॉय को दिए एक इंटरव्यू में बताया था कि शहनाज गिल हिमांशी से हुए झगड़े के बाद आत्महत्या करना चाहती थी उन्होंने खुद को मारने की कोशिश भी की थी लेकिन उन्हें बचा लिया गया संतोष सिंह सुख के इस बयान के बाद हिमांशी ने ट्वीट पर लिखा था अगर आपकी बेटी ने मेरी वजह से सुसाइड करने की कोशिश की तो सॉरी लेकिन आप अपनी बेटी को भी समझाइए पहले खुद ही कॉन्ट्रोवर्सी करो और फिर खुद ही डिस्टर्ब हो जाओ आपकी बेटी कैनेडा इंटरव्यू में बोली थी कि मुझे कॉन्ट्रोवर्सी की वजह से काम मिल रहा है आप सोच इंटरव्यू दो। बिग बॉस 13 के ठीक बाद चंद हफ्तों में ही शो बंद कर दिया गया था राघव जोएल किल से पहले बीते साल सलमान की मूवी किसी का भाई किसी की जान में नजर आए तभी से अफवाहें की वो इस मूवी की अपनी कोसार शहनाज गिल को डेट कर रहे हाल ही में अभिनीता ने निजी जीवन के बारे में भी बात करते हुए कहा कि ये मुझे बहुत प्रभावित करता है राघव जोवेल और शहनाज कौर गिल कई बार ये साफ कर चुके हैं कि वो दोनों अच्छे दोस्त हैं मगर फैंस अक्सर अनुमान लगाते हैं कि वो

मैं पिछले चौदह सालों से इस पर काम कर रहा हूं और मैं हमेशा ऐसा ही करता रहूंगा गौरतलब है कि 2023 में सलमान खान में किसी का भाई किसी की जान के प्रमोशन के दौरान शहनाज और राघव की रीडिंग की अफवाहें को हवा दी थी सलमान ने मूवी के प्रमोशन के दौरान कहा था मैंने सेट पर दो लोगों के बीच केमिस्ट्री बनते देखी मगर कुछ नहीं हुआ कम से कम एक व्यक्ति की तरफ से तो नहीं दूसरा व्यक्ति एक्साइटेड था बाद में राघव ने स्पष्ट किया कि सलमान ने उनके और शहनाज के बारे में मजाक किया है उन्होंने कहा शहनाज और मैंने साथ में बस मूवी में काम किया है हम डेटिंग नहीं कर रहे हैं मैं सिंगल हूं अभिनेता ने कहा कुछ महीनों में मेरी तीन फिल्में रिलीज होने वाली ही है और मैं बस इतना ही कहूंगा कि मैं अपने काम से शादीशुदा हूं मैं अभी भी सिंगल रहना चाहता हूँ और मेरे पास रिलेशनशिप में आने का कोई प्लान या समय है ही नहीं राघव जुवेल हाल ही में लक्ष्य लालवानी के साथ फिल्म में भी नजर आए थे ये मूवी 5 जुलाई को सिनेमा घरों में रिलीज हुई थी और मूवी को बहुत सारा प्यार मिला था इवन टिल डेट उसे बहुत सारा प्यार मिल रहा है राघव जुएल को किंग ऑफ स्लो मोशन भी कहा जाता है उनका जो डांस मूव्स होता है वो वाकई काबिल तारीफ है राघव जुएल मूवी किल में नजर आए इसमें उन्होंने विलन का रोल निभाया मूवी और उनके काम दोनों की खूब तारीफें हुई हालांकि टिकट खिड़की पर मूवी कुछ खास कमाल नहीं दिखा पाई अब एक इंटरव्यू में राघव ने किल के बिजनेस पर बात की उनका कहना है कि मूवी नॉर्थ से ज्यादा साउथ में चली साथ ही राघव ने साउथ और नॉर्थ के ऑडियंस पर भी बात की राघव ने डिजिटल कमेंट्री नाम के यूट्यूब चैनल से बात की और उन्होंने कहा साउथ में किल नॉर्थ से ज्यादा हाउसफुल चल रही थी हमारे नॉर्थ में क्या है कि हाश टैग बॉयकॉट बॉलीवुड हाश टैग ये कॉपी करते हैं वो सब तो पहले कर लेते हैं इसमें लेकिन जब मूवी देखने का टाइम आता है तो कोई नहीं जाता आप ही देखिए गली गुलिया जैसी फिल्में देखने के लिए लोग सिनेमा घरों में जाते ही नहीं है आप देखने जाओ फिर इंटरनेट पर बॉयकॉट वगैरह लिखने का हक बनता है लेकिन घर से निकल देखने तो जाओ करण जोहर ने हम दोनों यानी राघव और लक्ष्य लालवानी आउटसाइडर्स को लेकर इतनी बड़ी मूवी बनाई है उसे जाकर देखो मूवी की अच्छी सक्सेस हुई है लेकिन आपको उसे देखने के लिए घर से निकलना होगा राघव ने बातचीत में आगे कहा यही चीज आप साउथ में देख लीजिए वहां मलयालम सिनेमा में महाराजा आवेश्याम और मंजुलम बॉयज जैसी फिल्म बन रही है ऐसी फिल्में इसलिए बन रही है क्योंकि वहां लोग रिस्क लेने से डर नहीं रहे हैं साउथ में हमारी हिंदी फिल्में सब हिट रही हैं किल को रिलीज हुए एक महीने से ऊपर हो गया है लेकिन वो अभी तक थिएटरों में चल रही है मैं बहुत शुक्रगुजार गुजार हूँ कि हमारी मूवी किल सक्सेस हुई हमारी मूवी को उस समय लोग देखने आए जब अमिताभ बच्चन साहब दिपिका पदुकोन कमल हसन प्रभास और अक्षय कुमार जैसे एक्टर्स की फिल्में भी थिएटर्स में थी मैं और लक्ष्य दोनों डरे हुए थे लेकिन मैं खुश हूं कि लोग हमारी मूवी देखने आए किल में राघव जुवेल के साथ लक्ष्य लालवानी और तान्या मनिकटला भी अहम रोल्स में हैं इसे निखिल नागेश भट्ट ने बनाया है मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर करीब ट्वेंटी रुपए की कमाई की है किल को कई इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में भी खूब प्यार मिला है इसके अलावा जॉन विक के मेकर्स ने किल के रीमेक राइट्स भी खरीद लिए हैं वो इस मूवी के हॉलीवुड में रीमेक करेंगे वल किल से पहले वो सलमान खान के साथ किसी का भाई किसी की जान में भी बतौर एक्टर नजर आए थे हालिया इंटरव्यू में राघव ने बताया कि किल और किसी का भाई जान की शूटिंग एक साथ हो रही थी उन्होंने किल के लिए कमिटमेंट दे दिया था राघव की उस मूवी के साथ कुछ ऊंच नीच ना हो इसके लिए सलमान ने अपनी मूवी की डेट्स में बदल दी जब ये बात राघव को पता चली तो वो शर्मिंदा हो गए थे मैशेबल इंडिया को दिए एक इंटरव्यू में राघव ने किल और किसी का भाई किसी की जान की शूटिंग के दिनों का बात याद करते हुए कहा मैं पागल हो गया था भाई सलमान खान ने किल की वजह से डेट्स में बदलाव कर दिए थे उस वक्त मैं बहुत ही शर्मिंदा हो गया था क्योंकि ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी हालांकि मैंने दोनों फिल्मों को मैनेज कर लिया क्योंकि ये किल को किसी भी हाल में छोड़ना नहीं चाहता था मैंने इस मूवी के लिए बहुत मेहनत की थी इस बातचीत में राघव ने आगे बताया किल के कमिटमेंट और किसी का भाई किसी की जान के रोल के बीच में बैलेंस करना मेरे लिए बहुत ही मुश्किल टास्क था हालांकि किसी का भाई किसी की जान में काम करने में काफ़ी मजा आया ये एक्सपीरियंस किसी अम्यूज़मेंट पार्क की तरह था खासकर सलमान खान के साथ काम करना राघव ने यह भी बताया कि वो सलमान के फार्म हाउस पर भी दो तीन दिन तक रुके थे वहाँ उन्होंने स्विमिंग की और ख़ूब डर्ट बाइक चलाई राघव ने यह भी कहा कि सलमान के साथ काम करना हमेशा यादगार एक्सपीरियंस होता है किसी का भाई किसी की जान की रेट में बदलाव करने पर राघव ने उनका आभार भी व्यक्त किया किल को कई इंटरनेशनल फ़िल्म फेस्टिवल में भी खूब प्यार मिला है बात करें सलमान खान की तो इन दिनों वो अपनी मूवी सिकंदर की शूटिंग में बिजी हैं इसमें उनके साथ रश्मिका मंदाना सत्यदेव और प्रतीक बब्बर जैसे एक्टर्स नजर आएंगे मूवी को ए आर मुर्गड़ौस डायरेक्ट कर रहे हैं सिकंदर 2025 में ईद के मौके पर रिलीज होगी इसके अलावा ये भी खबरें हैं कि सलमान जल्द ही एटली और सिद्धार्थ आनंद के साथ मूवी करने जा रहे हैं युद्धरा का पहला ट्रेलर आ गया है जिसमें सिद्धांत चतुर्वेदी मुख्य भूमिका में है इस एक्शन मूवी में मालविका मोहन भी करी हैं और एक बार फिर एक हैं जो का किरदार को अत्यधिक गुस्से में जूझते हुए देखते हैं ट्रेलर रिलीज होते ही कई प्रशंसकों ने कमेंट बॉक्स में पॉजिटिव कमेंट्स भी किए एक यूजर ने लिखा बेहतरीन राघव एक अन्य ने लिखा राघव जोवेल के लिए वर्तमान में सबसे होनहार अभिनेताओं में से एक है इसका निर्देशन रवि ने किया है जिन्होंने मॉम का निर्देशन किया था युद्धा को रितेश सिद्वानी फरहान अख्तर और सुधा अनुक्ता ने प्रोड्यूस किया है ये 20 सितंबर को सिनेमाघरों में रिलीज होगी ये मूवी एक्सेल एंटरटेनमेंट के साथ सिद्धांत की चौथी मूवी है इससे पहले वो इनसाइडेड गली बॉयर फोन बूथ में काम कर चुके हैं अभिनेता को आखिरी बार नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई मूवी खो गए हम कहाँ में देखा गया था जिसमें वो अनन्या पांडे और गौरव आदर्श के साथ स्क्रीन पे शेयर करते नजर आए थे राघव ज्वेल साल 2012 में डांस इंडिया डांस सीजन थ्री के जरिए ग्लैमर वर्ल्ड से जुड़े थे इस शो में उन्होंने अपने स्लो मोशन डांस से सिर्फ जजेस ही नहीं बल्कि लोगों को भी खूब इम्प्रेस किया था हालांकि वो विनर तो नहीं बन पाए लेकिन इंडस्ट्री में अपने कदम जमाने में सफल हो गए ये तो सभी जानते होंगे कि राघव ज्वेल उत्तराखंड के देहरादून के रहने वाले हैं लेकिन अब ज्यादातर मुंबई में ही रहते हैं डांस से अपने करियर शुरू करने वाले राघव अब भली एक्टिंग में भी आ गए हों, लेकिन उनकी असली इनकम डांस के जरिए ही होती है मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार राघव एक एपिसोड के लिए तीन लाख से ज्यादा रुपए चार्ज करते हैं इसके अलावा उनके सोशल मीडिया और ब्रांड एंडोर्समेंट से भी तगड़ी कमाई होती है राघव जुवाल एक ब्रांड एंडोर्समेंट से पंद्रह से बीस लाख रुपए लेते हैं और सोशल मीडिया से भी हर महीने पंद्रह लाख तक की कमाई कर लेते हैं इसके अलावा राघव खुद की एक डांस क्लास भी चलाते हैं इसके जरिए भी वो मोटी कमाई करते हैं खबरों के अनुसार राघव ने मूवी किसी का भाई किसी की जान के लिए उन्होंने करीब अस्सी लाख रुपए की फीस चार्ज की थी बात करें राघव की नेटवर्थ की तो रिपोर्ट के अनुसार ये बाईस करोड़ रुपए है राघव के पास कई लग्जरी कारों का भी कलेक्शन है बैकग्राउंड डांस से लेकर एक्टर बनने तक का सफर तय करने वाले राघव ज्वेल अब 100 करोड़ क्लब एक्टर बन चुके हैं सलमान खान के स्टारम को देखते हुए भले ही सौ करोड़ की कमाई उनके लिए कम हो लेकिन अन्य एक्टर्स के लिए ये बड़ी बात है राघव जुएल ने हाल ही में बताया कि कैसे किसी का भाई किसी की जान के बाद उनकी फीस बढ़ गई है राघव जुएल वैसे तो पहले से ही अपने डांस को लेकर फेमस है लेकिन अब किसी का भाई किसी की जान ने उनकी लोकप्रियता में चार चांद लगा दिए हैं इस मूवी के बाद राघव जुवेल ने अपनी फीस भी बढ़ा दी है राघव ने हाल ही में एक मीडिया बातचीत के दौरान किसी का भाई किसी की जान के फ्लॉप होने को लेकर अपनी प्रतिक्रिया जाहिर की थी उन्होंने कहा था मैं उस लीग में शामिल नहीं हूँ जहाँ मैं करोड़ों की चिंता करू मैंने सौ करोड़ की मूवी की है वो मेरे लिए बहुत है मुझे नहीं पता सलमान खान इस बारे में क्या सोचते हैं लेकिन मेरे लिए ये नंबर्स बहुत अच्छे हैं आपने अगर अपनी लास्ट रिलीज से अच्छा किया है तो ये अच्छी बात है जो भी हो मेरे लिए ये अच्छा था uh, फीस बढ़ गया है और क्या ही बोलूं राघव ज्वेल के पास कई बड़ी फिल्में हैं लेकिन एक समय ऐसा था जब उन्हें भी रिजेक्शन झेलना पड़ा था ये रिजेक्शन उनके लिए कितना हार्ड था इस पर बात करते हुए एक्टर ने कहा वो चाहिए भी था मेरे पास घर कार सब कुछ है मैं टीवी पर करोड़ों रुपए कमाता था मेरे अंदर क्रिएटिविटी का एक कीड़ा है मुझे अच्छा लगता है जब लोग मुझे मेरी कमियां बताते हैं मैंने ऑडिशन में रिजेक्शन भी सहे हैं जब मैंने एक्टिंग की दुनिया में कदम रखा था तो मैंने खुद से ये बात कही कि मैं कोई भी नहीं हूँ मैं संजय मिश्रा के घर पर उस वक्त पोछा लगाने के लिए भी तैयार था मेरा मोटिवेशन बस सीखना था सेलिब्रिटी का कम्बल के आओगे, तो कैरेक्टर का कम्बल कैसे ओढ़ोगे शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान पब्लिक में काफी शान दिखते हैं सोशल मीडिया यूजर्स अक्सर उनके सीरियस लुक पर कॉमेंट्स करते हैं अब उनसे पर्सनली मिल चुके एक राघव ज्वेल ने बताया कि असल जिंदगी में आर्यन खान कैसे हैं? शाहरुख खान की मेहमान नवाजी और व्यवहार की तारीफ उनके साथ काम करने वाला हर कोई करता है अब आर्यन को राघव ने एकदम शाहरुख की ही छाया बताया है उन्होंने आर्यन को शाहरुख का संस्कारी बेटा बताया राघव जुवेल शाहरुख और उनके बेटे आर्यन दोनों के साथ वक्त बिता चुके हैं उन्होंने इंस्टेंट बॉलीवुड को बताया कि जो संस्कार शाहरुख खान में है वही आर्यन में भी आए हैं वो बोली आर्यन बहुत ही कल्चर्ड है वो अपने पिता शाहरुख की तरह ही है अगर आप उनके घर पर हैं तो वो आपको गेट तक छोड़ आएंगे। राघव बोले सिर्फ संस्कार और कल्चर से ही ये ख़ूबी आपको मिल सकती है जो संस्कार कल्चर और तहजीब है वो बच्चों में भी आती है आर्यन में बखूबी है राघव ने बताया कि वो और लक्ष्य शाहरुख खान के घर पर सुबह छः और सात बजे तक पार्टी कर चुके थे वो बोले शाहरुख सर से ध्यान में रखते हुए कि आप स्पेशल फ़ील करें अगर कमरे में सौ लोग हैं तो वो सबको स्पेशल फ़ील करवाते हैं उनका और ही ऐसा है राघव ने शाहरुख के साथ उनके बोधे की पार्टी का अनुभव बताया वो बोले उनके बोधे पर मैंने ध्यान रखा कि कितनी भी देर क्यों ना हो जाए मैं ये ध्यान रखूंगा कि शाहरुख सर को उनकी कार तक छोड़ने जाऊँ मैंने सोचा जब तक वो नहीं जाएंगे मैं भी नहीं जाऊँगा जब वो गए मैंने उन्हें कार तक छोड़ा ये मेरी जिंदगी का सबसे अच्छा पल था प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब राघव से पूछा गया कि वो सब कुछ कैसे मैनेज करते हैं तो उन्होंने कहा इसके पीछे थोड़ी सी मेहनत थोड़ा सा आशीर्वाद है आगे उनसे पूछा गया कि अगर वो समय में पीछे जा सके तो अपने जीवन में क्या बदलाव करते तो राघव ने जवाब दिया मैं अतीत में ध्यान देने में विश्वास नहीं करता मैं ऐसा इंसान हूँ जो आज में यकीन करता हूँ साथ ही अतीत में मेरे साथ जो भी हुआ है मैं उसको बदलना नहीं चाहूँगा क्योंकि मैं आज जो भी हूँ वो अतीत का ही परिणाम है अगर मैं कुछ भी बदलता हूँ तो मुझे नहीं पता कि आज मैं कहाँ होता किल मूवी उनके दिल में बहुत करीब है सतहत्तर दिन उन्होंने ट्रेन में शूट करते हुए बिताए हैं राघव ने हर किसी का शुक्रिया अदा किया है जो भी इस मूवी से जुड़े हुए थे उन्होंने कहा सबकी मेहनत का ही फल है कि ये मूवी इतना अच्छा कर रही है मूवी तकनीकी कारण की दुनिया में ये मूवी भारत के लिए एक बड़ा कदम है सिद्धार्थ चतुर्वेदी की आने वाली मूवी युद्धा इस वक्त सुर्खियों में बनी हुई है मूवी में अभिनेता के साथ साउथ की हसीना मालविका मोहनन नजर आने वाली हैं इस मूवी के जरिए लगातार स्टार कास्ट के पोस्टर शेयर किए जा रहे हैं और मेकर्स ने इस मूवी के दो पोस्टर और शेयर किए जो की कि काफी धासू है इसी बीच मूवी के लिए राकृष्ट मालविका मोहनन ने युद्धा मूवी के लिए कुछ बातें कही है और साथ ही साथ सिद्धार्थ चतुर्वेदी संग काम करने को लेकर भी बातचीत की न्यूज एटीन के साथ इंटरव्यू के दौरान मालविका ने कहा मैंने सिद्धांत चतुर्वेदी के साथ जो मूवी की है उसे एंटरटेनमेंट के बैनर तले बनाया गया है और ये मूवी 20 सितंबर को रिलीज रिलीज हो रही है हम कुछ ही दिनों में इसका दूसरा ट्रेलर भी रिलीज कर देंगे के सभी रोल एक दूसरे से इतने अलग है अच्छी बात है मालविका ने आगे कहा मुझे उम्मीद है कि ज्यादा से ज्यादा मेकर्स मुझे देखेंगे ताकि वे देख सके कि मैं अलग अलग भूमिकाओं में कैसे फिट बैठती हूं हाल ही में इस मूवी की रिलीज डेट का खुलासा किया गया है मूवी 20 सितंबर को थिएटर्स में रिलीज होने के लिए पूरी तरह से तैयार है मूवी का निर्देशन रवि ने किया है और इसकी कहानी श्रीधर राघवन ने लिखी है इस मूवी के गाने मशहूर गीतकार जावेद अख्तर ने लिखे हैं मालविका के वर्क फ्रंट की बात करें तो हाल ही में वो मूवी थंग्लान में नजर आई थी जो की बॉक्स ऑफिस पर दमदार कलेक्शन कर रही है इसके अलावा 2013 में दुलकर सलमान के साथ मूवी पट्टम पोले से अपने करियर की शुरुआत की थी उन्होंने निर्णयम द ग्रेट फादर और क्रिस्टी ड्रेसी मलयालम फिल्मों में काम किया है मालविका मोहनन ने ईशान खट्टर के साथ माजिद मजीदी की बियॉन्ड दी क्लाउड्स में भी काम किया है अगर मालविका मोहनन की हालिया रिलीज थंगलम की बात करें तो विक्रम एक अजीबो गरीब जानवर है जिसकी महत्वाकांक्षाओं और आकांक्षाओं की कोई सीमा नहीं है उन्होंने अपनी फिल्मों के ट्रेन और अभिनय से लगातार सीमा को आगे बढ़ाया है जिसने उनके ऑडियंस और आलोचकों दोनों को प्रभावित किया कई मौकों पर उनकी प्रशंसा की गई और उन पर फिल्मों के लिए ज्यादा करने का आरोप लगाया गया जबकि फिल्मों ने उनके लिए ज्यादा किया क्या पार रंजीत की थंगलान भी इस सूची में शामिल है शायद या शायद नहीं हालांकि हाँ ये क्रूरता एक और प्रदर्शन है जिसकी बराबरी बहुत कम लोग कर सकते हैं अकेले से मात देना तो दूर की बात है आनियन और आई दोनों में उन्हें एक ही शरीर में रहने वाली तीन अलग अलग किरदारों में निपटना पड़ा इस बार संख्या पाँच हो जाती है बेशक केंद्र चरित्र खुद नामांकित चरित्र है जो अपने बच्चों को सोते समय कहानियाँ सुनाता है जो आरती के चरित्र का परिचय देता है मूवी की खूबसूरती इस तथ्य में नहीं थे कि अभिनेता कितने देहाती दिखने को तैयार है और वो कितनी दूर जाने के लिए भी रहती है, है।, एक एक है। लेकिन रंजीत ने इस मूवी को उस पैमाने पर शूट किया है जो हमने पहले कभी नहीं देखा रंग समन्वय लाल और नीले रंग के बीच झूलता विक्रम के शरीर पर भूरे रंग की एक धार है ये अलग अलग शेड्स के रूप के okay, साथ साथ मूवी के अलग अलग व्यक्तित्व को भी दर्शाते हैं लाल का मतलब क्रोध हो सकता है नीला का मतलब शांति हो सकता है और भूरा गोबर को दर्शाता है थंगलान को मुख्य किरदार के, के कंधों पर उठाया गया है जो शायद ही कभी एक पल भी ट्रूकता है अगर मूवी में कुछ और बेहतर किया जा सकता था तो वो था लंबाई और जिस तरह से रंजीत ने ग्रामीणों की कहानी बताई क्या वो अपने शॉट्स की व्यापक शैली में इतना बह गया है कि वो भावनात्मक तत्कालीनता की निश्चित भावना को शामिल करना भूल गया प्रदर्शन पर गंभीरता की अधिकता है लेकिन कुछ खोखले दृश्य दर्दनाक अंगूठे की तरह बाहर निकलते फिर भी विक्रम और मालविका ने उस डिश में अतिरिक्त नमक डाला जो पूरी तरह से बेस्वाद हो सकती थी वे उस रेसिपी में देसी स्वादिष्टता का तड़का लगाते हैं जो पूरी तरह से स्टाइलिश के लिए थी इस मूवी को बॉक्स ऑफिस पर अच्छा रिस्पांस मिल रहा है भारत में तमिल तेलुगु कन्नड़ और मलयालम भाषाओं में रिलीज हुई ये मूवी अच्छा कारोबार करती हुई भी नजर आ रही है हर कोई चयान विक्रम की इस पिक्चर की तारीफ करता हुआ नजर आ रहा है हाल ही में चयान विक्रम और फिल्म मेकर ने मूवी के दूसरे पार्ट और कलेक्शन को लेकर अपनी राय सभी के सामने पेश की पिंक विला मास्टर क्लास के साथ बातचीत के दौरान फिल्म मेकर पार रंजीत ने थंगलान को देखते हुए और पसंद करने वाले ऑडियंस के सवाल का जवाब दिया फिल्म मेकर से इस मूवी के सीक्वल को लेकर भी सवाल पूछा गया उन्होंने कहा थंगलान की बहुत सारी बातें जुड़ी हैं हम कुछ करने जा रहे हैं नहीं हमने जड़ों की तरह सोचना होगा बहुत दूर तक पहुंचना है मेरे पास बहुत सारे मज़ेदार आइडियाज़ हैं और थंगलान देखने के बाद बहुत सारे लोगों ने दुनिया के बारे में पूछा है मैं बहुत कुछ सोच रहा हूं मैं दुनिया का फिर से अनुभव करना चाहता हूँ ही नहीं पारनजीत ने अपनी बातों से लोगों की इंटरेस्ट भी बढ़ाई उनका कहना था कि थंगलान को सोना मिलने के बाद और उसके बाद क्या हुआ और औपनिवेशक व्यवस्था ने उन्हें खुश किया या नहीं उसका जीवन कैसे बदला या बदला भी नहीं इसलिए यह सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट है इसके आगे उन्होंने इस मूवी के सीक्वल को लेकर भी बात की और कहा कि फिर से इसमें जाना चाहते हैं वो जिसे अब लोग मूवी के सीक्वल से जोड़कर देख रहे हैं चियां विक्रम का मूवी के कलेक्शन को लेकर कहना था कि सभी भाषाओं में मिल रहे रिस्पांस से वो काफ़ी खुश हैं एक्टर ने कहा कि हैरानी की बात है कि दूसरे हफ्ते तक तमिल तेलुगु ही नहीं बल्कि उन्होंने सभी भाषाओं में थिएटर में लोगों की भीड़ को बढ़ते हुए देखा है उन्हें अच्छा लगता है जब लोग उनके पास आते हैं और कहते हैं कि वाह क्या मूवी है थंगलान की बात की जाए तो इस मूवी में श्रेयान विक्रम के अलावा भी कई सितारे मौजूद हैं एक मल्टी स्टारर मूवी है श्रेयान विक्रम और पार्वती थिरुवोधु के अलावा थंगलान में मालविका मोहनन पशुपति डैनियल हरिकृष्ण और अन्य सितारों के नाम शामिल है। थंगलान की कमाई की बात की कमाई बात जाए तो इसने डे बॉक्स ऑफिस पर लाख रुपए का, का, का रिलीज किया गया था शर्वरी वाह को मूवी मुंडिया से फेम मिला जिसके बाद वे वेदा और महाराष्ट्र में भी नजर आई वही मालविका मोहनन भी हाल ही में मूवी थंगलान में दिखाई दी थी अब मालविका मूवी युद्धा में दिखेंगी इसके बाद उनके पास पाइपलाइन में सरदार टू और द राजा साहब भी है ऐसे में कहा जा रहा है कि मालविका भी शर्वरी वाक की तरह के साथ साथ का सेंस रखती से साड़ी तक में उनका लुक देखने लायक होता है रेड कलर की इस साड़ी में मालविका मोहन बेहद प्यारी लग रही हैं उन्होंने इसे स्ट्राप डिजाइन वाली शिमरी ब्लाउज के साथ पेयरअप किया है ब्लैक कलर की फिश कट स्कर्ट के साथ मैचिंग ऑफ शोल्डर क्रॉप टॉप पहने मालविका बहुत ही स्टारिंग दिख रही हैं मालविका ने पिंक कलर की साड़ी को मैचिंग ब्लाउज के साथ पेयर किया है आक्रेस ने इसके साथ नो मेकअप लुक भी रखा है अपने पौधे से ठीक पहले सरदार टू की हीरोइन बनने का बड़ा मौका पाने वाली अभिनेत्री मालविका मोहनन पंद्रह अगस्त को रिलीज हो चुकी मूवी थंगलान में भी कमाल करती नजर आई साउथ सिनेमा के सुपरस्टार प्रभास के साथ उनकी मूवी राजा साहब अभी भी सुर्खियों में है और बहुत संभव है कि इन सारी फिल्मों के चलते सुर्खियां बटोर रही मालविका मोहनन के नाम के सहारे सिद्धांत चतुर्वेदी की मूवी युद्रा भी जल्द ही रिलीज होगी और बहुत सक्सेस हासिल भी करेगी मालविका मोहनन का हिंदी सिनेमा में अरसे से इंतजार रहा है मालविका के हीरोइन बनने की कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग है अमर उजाला के साथ हुई बातचीत में मालविका बताती है मैं उन दिनों कॉलेज में थी और मुझे पता नहीं था कि मुझे किस दिशा में जाना था ये तो तय था कि मुझे साइंस और कॉमर्स नहीं करना था जो कुछ करना था आर्ट्स से ही करना था और उन्ही दिनों ये घटना हो गई हम लोग घर में मलयालम फिल्में खूब देखते हैं और मैं ममूटी सर की बहुत बड़ी फैन रही हूँ वो बहुत बड़े सुपरस्टार हैं हम लोग उनकी एक विज्ञापन मूवी की शूटिंग देखने गए हुए थे वहीं उन्होंने मुझे देखा और अपने पास बुलाया अभिनेता मम्मूटी ने मालविका को मिलने के लिए ही नहीं बुलाया बल्कि हाथों हाथ उनका वहीं ऑडिशन भी ले लिया मालविका ये बात बहुत एक्साइटमेंट से बता रही थी और कहा हाँ वो मुझसे देर तक बात ही करते रही और मुझे यहाँ वहाँ चला कर भी देखा और उससे शूर भी कर लिया बाद में ये सब होने पर मूवी निर्देशक के पास भेज दिया गया मुझे तो बाद में समझ आया कि मेरे करियर का पहला ऑडिशन मामूटी सर ने रिकॉर्ड किया है सोचिए कितनी बड़ी बात है ये किसी भी कलाकार के लिए इसी ऑडिशन के बाद मुझे उनके बेटी दुलकर सलमान के साथ अपनी पहली मूवी मिली तीन साल पहले हिंदी में डब होकर रिलीज हुई अभिनेता विजय की मूवी मास्टर में हिंदी भाषा राजू के ऑडियंस ने पहली बार मालविका की खूबसूरती बड़े पर्दे पर देखी थी मालविका की है तरह का हम रजनी सर की फिल्मों के लिए देखते थे तकरीबन लोग अब उतना ही विजय सर की फिल्म के लिए ही पागल रहते हैं मुझे लगता है लोगों को उनका ऑन स्क्रीन स्टाइल पसंद है उनका स्वाग पसंद है वो बहुत ही उम्दा एंटरटेनर है लोग उन्हें बहुत प्यार करते हैं सुपरस्टार रश्मिकांत के साथ मूवी पेटा में काम करने वाली मालविका वो दिन कभी नहीं भूलती जब उनकी पहली मुलाकात हुई थी मालविका बताती हैं उनसे मेरी पहली मुलाकात मसूरी में हुई मैं वहाँ मूवी पेटा की शूटिंग के लिए थी शूटिंग शुरू होने से पहले एक दिन मैं लोकेशन पर सबसे मिलने गई मैंने उनका इंतज़ार किया और थोड़ी देर बाद ही मेरे लिए बुलावा आ गया उनसे मिलना यादगार क्षण रहा उनका आभा मंडल इतना मजबूत है कि वो आपको अपनी तरफ खींच लेते हैं वो इतने बड़े स्टार हैं लेकिन उनकी विनम्रता सीखने लायक है मुझे बहुत ही सहज महसूस कराया उन्होंने उनके साथ मैंने जो वक्त बिताया वो पूरा जीवन यादगार रहेगा वहीं अगर शर्वरी बाघ की बात करें तो शर्वरी बाघ अपनी मोस्ट अवेटेड मूवी वेदा को लेकर लगातार सुर्खियों में बनी हुई थी इस मूवी में शर्वरी के अलावा जॉन अब्राहम मुख्य भूमिका में है ये मूवी 15 अगस्त को रिलीज हो चुकी है मूवी में शरवरी के एक्शन सीन्स की भी जमकर तारीफ हुई है मुंडिया के बाद वेदा में अपने अभिनय का दमखम दिखाने वाली शरवरी के लिए इंडस्ट्री में आना आसान नहीं था निर्देशक कबीर खान की वेब सीरीज दी फॉरगॉटन आर्मी से अपने एक्टिंग करियर की शुरुआत करने वाली अभिनेत्री शरवरी वाघ आज इंटरनेट सेंसेशन बन चुकी हैं इस वेब सीरीज में सनी कौशल ने उनके साथ स्क्रीन स्पेस शेयर किया था हॉरर कॉमेडी मूवी मुंजरिया में बेला का निभा कर, फैंस के बीच अठाईस फरवरी को आमिर खान के बेटे जुनेद खान की मूवी महाराज से भी खूब लोकप्रियता मिली मौजूदा समय में वो वेदा में एक बॉक्सर की भूमिका निभा रही हैं चौदह जून नाइनटीन में जनवी शर्वरी के पिता शैलेश वाग मुंबई के जाने माने बिल्डर हैं जबकि उनकी बहन कस्तूरी और मां माँ दोनों ही ही आर्किटेक्ट हैं इतना नहीं आक्रस से काफी गहरा कनेक्शन रखती है महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर जोशी शर्वरी के नाना हैं बंटी और बबली टू जैसी फिल्मों में नजर आ चुकी अभिनेत्री पढ़ाई के मामले में शुरू से ही बहुत अच्छी थी उन्होंने मुंबई के स्थानीय स्कूल दादर पारसी युद्ध असेंबली हाई स्कूल से अपनी स्कूली शिक्षा पूरी की शर्वरी व कई ब्रांड और फैशन डिजाइनर्स के लिए मॉडलिंग और विज्ञापन कर चुकी हैं उन्होंने मूवी बाजीराव मस्तानी मूवी प्यार का पंचनामा फिल्म सोनू के टीटू की स्वीटी ड्रेसी कई फिल्मों में बतौर सहायक निर्देशक भी काम किया है बता दें कि शर्वरी की मूवी वेदा की कहानी एक युवा लड़की के इर्द गिर्द घूमती है जो उत्पीड़न के खिलाफ लड़ती है वो जाति और छुआछूत के आधार पर दलित समुदाय पर अत्याचार करने वाले अत्याचारियों के खिलाफ सामाजिक न्याय चाहती है एक्शन थ्रिलर का निर्देशन निखिल आरवानी ने किया है गहराइयाँ सिद्धांत चतुर्वेदी की लास्ट मूवी थी जो 2022 में रिलीज़ हुई थी आइए जानते हैं कि मूवी की कहानी क्या थी Amazon Prime Video पर रिलीज़ हुई मूवी गहराइयाँ कुछ मेजडअप लोगों की कहानी है मेजड माने वो लोग जो भीतरी तौर पर किसी चीज़ से परेशान है जो चीज़ उन्हें सीधे तरीके से नहीं सोचने दे रही इस लिहाज से वो हम सबकी कहानी है क्योंकि आज के टाइम में कौन मेजडअप नहीं है गहराइयाँ की कहानी बेसिकली चार लोगों के बारे में है अलीशा टिया जैन और करण अलीशा और टिया कजन्स हैं अलीशा और करण छः सालों से रिलेशनशिप में टिया अपने मंगेतर जैन के साथ इंडिया आती हैं वो मुंबई से अलीबाग जाने वाले यॉट पर अपने मंगेतर को अलीशा और करण से मिलवाती है ये चारों लोग अलीबाग में ही काफ़ी समय साथ में बिताते हैं इस दौरान अलीशा जैन एक दूसरे के प्रति अट्रैक्ट हो जाते हैं यहाँ से कहानी में कॉम्प्लिसिटी आनी स्टार्ट हो जाती है झूठ फरे बिजनेस और ट्रैजिक बैक स्टोरीज की वजह से ये कॉम्प्लिकेशन बढ़ते ही चले जाते हैं और यही चीज़ इनकी कहानियों को इस लायक बनाती है कि उस पर मूवी बनाई जा सके जब तक ये कहानी इंसानों के इर्द गिर्द घूमती है वो समझ आती रहती है रिलेटेबल बनी रहती है। मगर कहानी में बिजनेस का दखल मामला गड़बड़ा देता है मगर पंगा ये है कि उस बिजनेस को भी इंसान ही चला है। इस कहानी में कॉन्ट्रडिक्शन है मगर जो इस मूवी को देख रहा है वो भी इंसान है तो उन कॉन्ट्रडिक्शन का वो तोड़ निकाल रहा है गहराइयाँ एक एडल्ट मूवी है एडल्ट से हमारा मतलब है उम्र या অশ্লীলता नहीं मैच्योरिटी से है ये मूवी उन लोगों के लिए है जो समझदार हैं समझदार यानी जो कुछ समझते हैं और बहुत कुछ समझाना चाहते हैं जो प्रेम की घिसे पीटे कॉन्सेप्ट में यकीन नहीं रखते जब से गहराइयाँ का ट्रेलर आया था तब से इसकी तुलना कभी अलविदा ना कहना से हो रही थी क्योंकि वो मूवी भी तकरीबन इसी बारे में बात करती है कि आपको जिस किसी से भी प्यार हो वो एक समय के बाद ख़त्म हो सकता है आपको दोबारा किसी से प्यार हो सकता है पब्लिक को तभी कॉन्सेप्ट ज़्यादा समझ नहीं आया अब गहराइयाँ कमोबाश वही चीज़ करने की कोशिश करती है मगर थोड़े डेप्थ के साथ वो प्रेम में पढ़ने उससे निकलने फिर से प्यार करने के पूरे प्रोसेस को समझाने की कोशिश करती है ये क्यों होता है कैसे होता है इसका क्या नतीजा हो सकता है टाइप के बेसिक सवाल के जवाब

पेन आउट की गई है वो काफ़ी अनरियल और फ़िल्मी लगती है अगर आप इस कहानी को समझने की कोशिश करेंगे तो बहुत सारे लूप होल्स और ऐसे सवाल पाएंगे जिनके जवाब में मूवी में मिलेंगे नहीं क्योंकि मूवी को लगता है कि कॉम्प्लिकेटेड होना उसकी यूएसपी है और इससे काम चल जाएगा मगर ऐसा नहीं हो पाता गहराया की खास बात यह है कि वो आज के टाइम के आज के लोगों की कहानी दिखा रही है इससे ज़्यादा उस मूवी के पास कहने को कुछ भी नहीं है वो हमारा दुर्भाग्य है कि हमें कॉम्प्लिकेटेड ह्यूमन नेचर के अराउंड ज़्यादा फिल्में देखने को नहीं मिलती अगर बनती भी है तो उसमें दीपिका पादुकोण जैसे स्टार्स नहीं होती जिसकी वजह से वो मूवी कम लोगों तक पहुँच पाती है दीपिका पादुकोण ने मूवी में अलीशा का रोल प्ले किया है ये कि उनके करियर का बेस्ट परफॉर्मेंस है मूवी में एक सीन है जब अलीशा जेन से कहती हैं मैंने करण को अपने लिए छोड़ा है तुम्हारे लिए नहीं उसे क्लैरिटी है कि वो क्या कर रही है और क्यों कर रही है मगर कुछ इमोशंस ऐसे होते हैं जिन पर आपका कंट्रोल नहीं होता प्रेम उन्हीं भावों में से एक है जिससे अलिशा गुजर रही है वो जो कुछ भी सोचती है वो सब कुछ उसके बिहेवियर और बर्ताव में रिफ्लेक्ट होता है चेहरे पर नज़र आता है सिद्धांत चतुर्वेदी सुहाव और हान सब दिखते हैं मगर गली बॉय के बाद से उनसे उम्मीदें बहुत बढ़ गई हैं उनका कांटा ज़रा भी हिलता तो वो खलने लगते हैं अनन्या पांडे हीरोइन से आटों में तब्दील हो रही हैं ये गहराइयाँ के सेकेंड हाफ में उन्हें देख पता चलता है धैर्य करवा के पास करने को ज़्यादा कुछ नहीं है प्लस उनकी अपनी कोई स्टोरी भी नहीं है आपको उस कैरेक्टर के बारे में इतना भी नहीं पता कि आप उसके बारे में कोई राय बना सकें मूवी में नसीरुद्दीन शाह और रजत कपूर भी दिखाई देते हैं मूवी का एक सीन है जिसमें रजत कपूर का किरदार जितेश अलीशा से कहता है केट द फक आउट है आई डोंट वॉन्ट टू सी योर फेस ये किसी को कहने के लिए हाथ से बहुत बुरी बात है मगर जिस तरह से ये बात कही गई है वो मूवी से मेरा सबसे पसंदीदा हिस्सा है गहराइयाँ एक वॉचबल मूवी है, मगर ये वो मूवी नहीं है जो ये बनाना चाहती थी अगर आप रिलेटेबल कॉन्टेंट देखना चाहते हैं तो इसे देखा जा सकता है मगर इसे देखने के दौरान आपको ये चीज़ ध्यान रखनी होगी कि ये अल्टीमेटली सिनेमा है सिद्धांत की अपकमिंग मूवी है युद्धरा उसमें सिद्धांत चतुर्वेदी मालविका के साथ ठीक उसी तरह रोमांस करते आए जैसा उन्होंने दीपिका के साथ गहराइया में किया था लोग मालविका और दीपिका के इंटरनेट सीन्स को कंपेयर भी कर रहे हैं तमाम इंटरनेट सीन्स हैं सिद्धांत चतुर्वेदी और दीपिका के बीच और यही बात हमें इस टॉपिक पर ले आई है टॉपिक इंटीमेट सीन्स का और जब एक्ट्रेस इस सीन्स को करती हैं तो क्या कुछ सुनती है खासकर तब जब वो शादीशुदा हो सिद्धांत को चूमने पर दीपिका के लिए क्या बोली पब्लिक रिलीज हुई इस गाने पर आए कमेंट्स भी मैंने पढ़ लिया ये आपको कुछ चीजों से रूबरू करवा देती हूँ रणवीर को ये देखकर कितना खराब लग रहा होगा मुझे यकीन है रणवीर इस गाने से बहुत चढ़े होंगे रणवीर इसे देख भी कैसे सकते हैं वाह रनवीर ने शादी के बाद भी अपनी पत्नी दीपिका को दूसरे से रोमांस करने की इजाजत दे दी सोशल मीडिया पर लोगों ने की दीपिका सिद्धांत के इंटरमेट सीन पर कॉमेंट ये कुछ कॉमेंट थे तुम शादीशुदा होकर ऐसे सीन्स कर रही हो समाज तुमसे क्या सीखेगा इस मूवी के बाद भी तुम और रणवीर साथ हो उसने ये सब कैसे बर्दाश्त कर लिया अब जल्द ही एक नई मूवी आने वाली है डिवोर्स रणवीर सिंह को जलाने के 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 लिए इतनी पप्पी दी है इस तरह के इस तरह ढेरों कमेंट गाने नीचे भर पड़े अधिकतर में यही लिखा कि उन्हें रणवीर के लिए बहुत ही बुरा फील हो रहा है एक जनाब ने तो ये पूछ रहे हैं कि क्या रणवीर को पता है कि तुम तो इस तरह की हरकतें कर रही हो नहीं भाई रणवीर को तो पता ही नहीं है कि उनकी पत्नी आक्रस है और किसी मूवी में काम कर रही है हो सकता है इनमें से कई कमेंट मजाक में लिखे गए हों लेकिन इस तरह का मजाक भी यही बताता है कि हमारी सोसाइटी समझ कितनी ज़्यादा छोटी है उतनी ही छोटी हमारी सिनेमाई समझ भी है दोनों पर एक एक पर बात करते हैं इंटरमेट सीन पर क्या बोली दीपिका फिल्म के प्रमोशन के दौरान ही दीपिका से एक सोशल मीडिया कमेंट दिखाते हुए पूछा गया कि क्या उन्होंने ये सीन्स करने के पहले रणवीर से इजाज़त ली थी दीपिका ने जवाब दिया मुझे तो पता ही नहीं कि हम इस विषय पर चर्चा भी क्यों कर रहे हैं मैं तो कोई कमेंट नहीं पढ़ती मुझे यकीन है कि रणवीर भी नहीं पढ़ते और ये, ये इंटरव्यू बॉलीवुड बबल के साथ हो रहा था और इंटरव्यू का रहे नयनदीप रक्षित ने उस वक्त बड़ी अच्छी बात कही कि पूछना तो ये भी चाहिए कि रणवीर ने गली बॉय में आलिया के साथ किसिंग सीन करने के पहले क्या दीपिका से इजाजत ली थी मुझे उन लोगों के भोलेपन पर तरस आता है जिन्हें लगता है कि क्योंकि वो इस बात में बिलीव करते हैं कि औरतों को सभी काम पति से पूछ कर करना चाहिए तो दीपिका और रणवीर को भी ऐसा ही लगता होगा भाई जब दीपिका और रणवीर ने एक दूसरे से शादी की थी तो वो कोई अरेंज मैरिज नहीं थी उन्हें ये पता था कि वो दोनों किसी प्रोफेशन में है उनका पास्ट क्या है और उनका फ्यूचर कैसा होगा रणवीर खुद भी एक्टर है उन्हें क्या पता नहीं होगा कि फिल्मों में इंटरमेट सीन्स भी कई बार डिमांड में होते हैं और अगर मूवी रिलेशनशिप जैसे मसले पर बनी है तो 2022 में रिलीज हो रही मूवी में इंटरमेट सी दिखाने के लिए दो फूलों का मिलन या अंधेरी रात में बिजली कड़कना तो नहीं दिखाएंगे ना ये वैसा ही है कि कोई महिला टीचर हो तो अपने पति से पूछे कि आज स्कूल में बच्चों को 19 का पहाड़ा याद करवा दूं तुम्हें कोई दिक्कत तो नहीं है ना कोई महिला शेफ पूछे आज अपने रेस्टो मेन्यू में कबाब रख लूँ ना तुम्हें कोई दिक्कत तो नहीं है ना मैं ये कहने की कोशिश कर रही हूँ कि वो इंटरनेट होने की एक्टिंग है जो अच्छे तरीके से की गई है ना कि असल अफेयर है और अपना काम करने के लिए जो उसके करियर में उसकी लाइफ में आवश्यक है उसके लिए किसी को भी अपने पार्टनर की इजाजत लेने की जरूरत नहीं है और वो वक्त अब चला गया भाई साहब जब शादी करने के बाद घर संभालने लगती थी और फिल्में करना छोड़ देती थी या सिर्फ तब फिल्में करती थी जब उनका पति खुद एक्टर हो और उसी मूवी में उनके अपोजिट कास्ट किया गया हो करीना दीपिका अनुष्का देश की सबसे बड़ी अभिनेत्रियां हैं वो शादीशुदा हैं और अपने करियर के पीक पर हैं उनके लाइफ पार्टनर उन्हें आगे बढ़ने के लिए इंस्पायर करते हैं ना कि चैलेंजिंग रोल से पीछे खींचते हैं इंटरमेट सीन्स भी एक्टिंग का ही हिस्सा होते हैं ये तो सामाजिक समझ की बात है थोड़ी बात सिनेमा की भी जैसा कि मैंने पहले ही कहा इंटरमेट सीन्स की एक्टिंग करना और इंटरमेट होना दो अलग अलग बातें हैं ये सीन्स मुश्किल होते हैं गहराया मूवी में अलग से इंटरमेसी डायरेक्टर को हायर किया गया है ताकि सीन्स अच्छे से शूट हो सकें फिल्म मेकर का विजन भी डिस्टर्ब ना हो एक्टर्स कंफर्टेबल भी रहे और जिस हद तक की सेक्सुअल टेंशन दिखाने का प्रयास है उसे अचीव कर लिया जाए मैं और आप सोच भी नहीं सकते कि इसमें कितनी मेहनत लगती होगी आप सोच रहे होंगे कि इंटरनेट सीन में रीटेक लेने में तो मज़ा ही आ जाता होगा पर यकीन मानिए ऐसा नहीं होता एक बार एक स्टोरी के सिलसिले में, में मेरी एक एडल्ट फिल्म एक्ट्रेस से बात हुई थी उन्होंने मुझे बताया कि जैसा स्क्रीन पर दिखता है वैसा हम करते नहीं हैं डायरेक्टर के पास चीजें फिल्माने के तरीके होते हैं गहराया मूवी में अलग से डायरेक्टर को हायर किया गया ताकि सीन्स अच्छे से शूट हो सके मूवी के बारे में बात करते हुए दीपिका ने पी आई से बताया था मूवी में इंटरमेसी के अलावा बहुत कुछ है खासकर एक आधुनिक रिश्ते के चित्रण की बात करें तो इंटरमेसी तो बस एक हिस्सा है तो हम ये बात याद रखें और ये भी याद रखें कि दीपिका को अपना काम करने के लिए रणवीर से किसी इजाजत की जरूरत नहीं है ना मुझे ना आपको वहीं अगर मालविका के साथ की बात करें तो युद्रा एक्शन ड्रॉनर को बदलने के लिए तैयार है मेकर्स ने मूवी के फर्स्ट सॉन्ग साध्या को भी रिलीज कर दिया जो एक रोमांटिक ट्रैक है इस गाने में जिसमें सिद्धांत चतुर्वेदी और मालविका मोहन के बीच दिलकश केमिस्ट्री दिखाई गई है युद्रा का ये पहला गाना एक खूबसूरत लव सॉन्ग है जो सभी के दिलों को छू लेने वाला है सिद्धांत चतुर्वेदी और मालविका मोहनन के बीच का कनेक्शन गाने का सबसे खास हिस्सा है हालांकि मूवी एक स्टाइलिश एक्शन थ्रिलर है लेकिन ये रोमांटिक ट्रैक एक खूबसूरत एहसास जोड़ता है जो ये साफ करता है कि ये मूवी पूरी तरह से एंटरटेनर होने वाली है साथ ही गाने में सिद्धांत चतुर्वेदी और मालविका मोहनन एक दूसरे के साथ काफी रोमांटिक होते नजर आए हैं वहीं दोनों की केमिस्ट्री अब फैंस को भी खूब भा रही है के इस गाने को शंकर एहसान लॉय द्वारा कंपोज किया गया है वहीं प्रतिभा सिंह बघेल और विशाल मिश्रा ने अपनी आवाज से गाने की खूबसूरती को भी बढ़ा दिया है इस गाने के बोल महान नायक जावेद अख्तर ने लिखे हैं टीवी इंडस्ट्री के मशहूर एक्टर राम कपूर ने अपनी एक्टिंग से अमिट छाप छोड़ी है अब वो युद्धरा में भी नज़र आने वाले हैं जो 20 सितंबर को रिलीज हो रही है उनकी गिनती टीवी के टॉप एक्टर्स में से होती है राम को मशहूर सीरियल बड़े अच्छे लगते हैं ऐसे काफ़ी पॉपुलैरिटी हासिल हुई थी इस सीरियल में उन्होंने पॉपुलर अभिनेत्री साक्षी तन्वर से काम किया था वैसे आपको बता दें कि बड़े अच्छे लगते से लोकप्रियता हासिल करने वाले राम कपूर ने इससे पहले सालों तक टीवी इंडस्ट्री में काम किया उनकी शुरुआत 5 साल 1997 में हुई थी वहीं सबसे पहले सफलता साल 2000 के सीरियल घर एक मंदिर से मिली थी इसी सीरियल के दौरान उन्हें उनकी लेडी लव भी मिल गई थी लेकिन बड़े अच्छे लगते से वे घर-घर में मशहूर हुए थे राम कपूर एक सितंबर को 51 इयर्स के हो चुके हैं राम का जन्म एक सितंबर 1973 को नई दिल्ली में हुआ था राम के पिता का नाम अनिल कपूर है और मां का नाम रीता कपूर है राम की पर्सनल लाइफ की बात करें तो उन्होंने एक एक्ट्रेस गौतमी कपूर से शादी की दोनों घर एक मंदिर सीरियल में देवर भाभी के रोल में नजर आई थी राम और गौतमी को सेट पर साथ काम करते हुए एक दूसरे से प्यार हो गया था हालांकि आपको बता दें कि गौतमी ने इससे पहले कमर्शियल फोटोग्राफर मधुर श्रॉफ से शादी की थी लेकिन जल्दी दोनों अलग हो गए थे इसके बाद गौतमी का दिल आया राम कपूर पर राम का ताल्लुक जहाँ पंजाबी फैमिली से था तो वहीं गौतमी मराठी फैमिली से थी दोनों ने जब अपने रिश्ते के बारे में घर वालों को बताया तो उनके पेरेंट्स राजी नहीं हुए ऐसे में राम और गौतमी ने परिवार के खिलाफ जाकर मंदिर में चौदह फरवरी दो को शादी कर ली थी दोनों अब दो बच्चों बेटी सिया और बेटे अक्स के पेरेंट्स हैं राम कपूर बड़े अच्छे लगते हैं और घर एक मंदिर के अलावा लिपस्टिक कहता है दिल क्योंकि सास भी कभी बहू थी जैसे सीरियल्स के अलावा कुछ ना कहो फना उड़ान कार्तिक कॉलिंग कार्तिक स्टूडेंट ऑफ द ईयर शादी के साइड इफेक्ट एजेंट विनोद और हम शक्ल जैसी फिल्मों में भी नजर आ चुके हैं टीवी के मशहूर अभिनेता राम कपूर एक सितंबर को एक फिफ्टी वन ईयर्स के हो चुके हैं वो फिल्मों में ही नहीं टेलीविजन धारावाहिकों में भी बेहतरीन काम कर चुके उन्होंने टीवी शो कसम से में वालिया और बड़े अच्छे लगते में राम कपूर के किरदार से लोकप्रियता हासिल की वहीं राम कपूर ने बॉलीवुड मूवी हमशक्ल में मामा जी कुंवर अमरनाथ सिंह के किरदार में नजर आए थे इतना ही नहीं एक्टर रियलिटी शो राखी का स्वयं में भी होस्ट कर चुके हैं टीवी से लेकर फिल्म इंडस्ट्री तक अपनी एक्टिंग से पहचान बना चुके राज इन दिनों ओ पर भी धूम मचा रहे राम कपूर ने टेलीविजन धारावाहिक न्याय नाइन से अपनी ऑन स्क्रीन करियर की शुरुआत की थी इसके बाद उन्होंने हीना नाइनटीन संघर्ष नाइनटीन और कविता दो में भी बेहतरीन काम कर सुर्खियाँ बटोरी 2000 में अभिनेता लोक मंदिर में दिखाई दिए थे उन्होंने आमर रजा हुसैन के साथ फिफ्टी डेज ऑफ वॉर कारगिल में काम किया है जो कारगिल युद्ध पर बेस्ड था वहीं बहुत कम लोग जानते हैं कि वो बॉलीवुड फिल्म एजेंट विनोद 2012 में सैफ अली के साथ भी काम कर चुके हैं राम कपूर धड़कन आवाज़ दिल से दिल तक जैसी फ़िल्मों में नज़र आई इसके बाद हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी और बाली में दिखाई दी वही 2012 में रिलीज़ हुई स्टूडेंट ऑफ द ईयर और 2014 की हम शक्ल में भी दिखाई दी इसके अलावा उन्हें 2005 में देव की कल यस्टरडे एंड टमोरो और मिस्ड कॉल जैसी फिल्मों में भी देखा गया है 2011 में उन्होंने टीवी शो बड़े अच्छे लगते हैं में अभिनय किया और राम अमरनाथ कपूर बन फेमस हो गए इस शो को हिट होते ही उनकी फ़ैन फॉलोइंग में भी इजाफा हुआ राम कपूर लिपस्टिक कहता है दिल क्योंकि साज भी कभी बहुत ही जैसे सीरियस में भी बेहतरीन काम कर चुके हैं पिछले कई सालों में उनकी एक्टिंग के अलावा उनके बढ़ते हुए वजन को लेकर भी खूब चर्चा हो रही है लेकिन साल 2019 में उन्होंने वेट लॉस ट्रांसफॉर्मेशन के जरिए हर किसी को दंग कर दिया था आखिर उन्होंने ये करिश्मा कैसे किया अगर आप भी राम कपूर की तरह वजन घटाने की सोच रहे हैं तो वही ट्रिक्स फॉलो करें जो इस एक्टर ने अपनाई थी उन्होंने इंटरमिटेड फ़ास्टिंग का सहारा लिया जिसमें कई घंटों तक बिना खाए पिए रहना होता है राम कपूर ने सिक्सटीन एज टू ए डाइट प्लान फॉलो किया था इसके मुताबिक वो दिन में सिर्फ आठ घंटे के दौरान ही खाते पीते थे बाकी सोलह घंटे वो फास्ट रखते थे आप इस तरीके को पूरे हफ्ते या तीन दिन के लिए अपने अपना सकते हो जब आप इस डाइट रूटीन को फॉलो करते हो तो कैलोरी इनटेक कम होने लगता है और मेटाबॉलिज्म तेज़ हो जाता है इससे वेट लॉस प्रोसेस की स्पीड भी बढ़ जाती है ऐसे में ब्लड शुगर लेवल को भी कम करने में हेल्प करता है इंटरमीट फास्टिंग को फॉलो करने के दौरान आपको रात के वह खाना छोड़ना होगा कुछ दिनों तक सिर्फ हेल्दी चीज़ें पर डिपेंड रहना होगा राम कपूर रात में सोने से पहले कार्डियो एक एक्सरसाइज करते थे सुबह जागने के बाद पहले मॉर्निंग वॉक पर निकलते थे फिर जिम के लिए निकलते थे इसके अलावा हैवी वेट ट्रेनिंग के ज़रिए उनकी फ़िटनेस बेहतर हो गई इंडस्ट्री के जाने माने आकर राम कपूर ने फरारी खरीद ली है हाँ फरारी वो अब एक और लग्जूरियस कार के प्राउड ओनर बन चुके हैं ऑरेंज कलर की राम कपूर ने फरारी गाड़ी खरीदी है जिसकी फोटो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रही है फैंस ये सोचकर हैरान हैं कि 5.40 सीआर की कीमत वाली इस गाड़ी के अब राम कपूर मालिक हैं सेलिब्रिटी फोटोग्राफर विरल भयानी ने राम कपूर और उनकी पत्नी की फोटो ऑरेंज फरारी संग शेयर की राम कपूर की वाइफ गौतमी कपूर ने कमेंट कर लिखा कि विरल तुम बहुत ही स्वीट हो अब मुंबई की सड़कों पर राम कपूर को इस फरारी गाड़ी में स्पॉट किया जाएगा बता दें कि राम कपूर की ये गाड़ी ड्रीम कार थी अब एक्टर ने इसे खरीद कर अपना सपना पूरा कर लिया है हालांकि फरारी की गाड़ियों की अगर कीमत पर बात करें तो ये चार से सात करोड़ के बीच उपलब्ध है पिछले साल जुलाई के महीने में राम कपूर ने ब्लू कलर की पोर्श कार खरीदी थी 911 वन केरेरा एस की कीमत उस समय 1.83 सीआर बताई जा रही थी पौष ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर राम कपूर और उनकी पत्नी की फोटो गाड़ी के साथ शेयर की थी पौष ने ये स्पोर्ट्स कार अप्रैल 2019 में लॉन्च की थी इंडस्ट्री में अपने काम और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी पर बात करते हुए एक इंटरव्यू में राम कपूर ने कहा था कि मैं अच्छी तरह समझता हूँ कि इस इंडस्ट्री में कुछ सर्टेन नहीं है इस प्रोफेशन में आपके साथ कब कहाँ क्या हो जाए कुछ नहीं पता जब आपके पास दूसरा कोई काम आता है तभी आप निश्चिंत होते हैं कि पैसा आप कमा रहे हो फाइनेंशियल स्टेबल रहना एक असहज चीज़ है मैं ख़ुद को इस चीज़ में खुशकस्मत समझता हूँ कि मैं बिज़ी रहता हूँ मेरे पास काम है और मैं पैसा कमा रहा हूँ मैंने उन लोगों को भी देखा है जो मेरे से ज़्यादा टैलेंटेड है और करियर वाइज़ वो ख़राब साबित हो रहे हैं मैं ये नहीं कहता कि मैंने हर चीज़ अपने टैलेंट के दम पर है पर कुछ चीजें किस्मत ने भी दी है जो कि करियर में अहम रोल प्ले करता है मशहूर गीतकार जावेद अख्तर सिनेमा और गानों से अलग तमाम राजनीतिक और सामाजिक मसलों पर अपनी राय रखते नजर आते हैं एक बार फिर वो चर्चा में हैं हाल ही में उन्होंने इस बात का खुलासा किया है कि उनके बेटे फरहान अख्तर किस धर्म को मानते हैं बता दें कि जावेद अख्तर ख़ुद को नास्तिक बताते हैं वो किसी धर्म में यकीन नहीं करते ऐसे में लोगों की इंटरेस्ट अक्सर ये जानने में रहती है कि उनके बच्चे आखिर किस धर्म का पालन करते हैं गीतकार ने खुद इसका खुलासा किया है जावेद अख्तर ने हाल ही में एक बातचीत के दौरान खुलासा किया कि उनके बच्चे उन्हीं की तरह नास्तिक हैं वे भी किसी धर्म को नहीं मानते हैं इतना ही नहीं जोया और फरहान के साथ साथ जावेद अख्तर की पोतियां भी धर्म में विश्वास नहीं रखती हैं गीतकार ने खुलासा किया कि उनके बेटे फरहान अख्तर ने अपनी बेटियों के बर्थ सर्टिफिकेट में धर्म सेक्शन में नॉन एप्लीकेबल लिखा है बता दें कि एक बातचीत के दौरान जावेद अख्तर से एक प्रशंसक ने पूछा कि उन्होंने अपने बच्चों को जिंदगी की सबसे बड़ी सीख क्या दी है इस पर जावेद अख्तर ने जवाब दिया मुझे नहीं लगता कि आप सीख को किसी क्रैश कोर्स की तरह दे सकते हो मेरा मानना है कि बच्चे वो चीजें सीखते हैं जो वो अपने माता पिता को करते हुए देखते हैं बच्चे वो चीजें नहीं करते जो आप उन्हें करने के लिए कहते हैं जावेद अख्तर ने आगे कहा कि बच्चे ये देखते हैं कि उनके माता पिता जिंदगी में किस चीज को ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं मेरे खुद के बच्चे ने भी वही चीज़ें सीखी हैं जो उन्होंने हमें करते हुए देखा मेरे दोनों बच्चे जोया और फरहान धर्म पर विश्वास नहीं करते वे दोनों नास्तिक हैं फरहान ने तो अपनी दोनों बेटियों के बर्थ सर्टिफिकेट में रिलीजन सेक्शन में लिखा है नॉट एप्लीकेबल बताते चले कि जोया और फरहान अख्तर जावेद अख्तर और उनकी पहली पत्नी हनी ईरानी की बच्चे हैं फरहान अख्तर की निजी ज़िंदगी की बात करें तो उन्होंने बीते वर्ष अपनी गर्लफ्रेंड शिवानी डांडेडकर से दूसरी शादी रचाई थी अपनी पहली पत्नी अधुना भवानी से फरहान अख्तर की दो बेटियां अकीरा और शाकिया है जावेद अख्तर की बेटी जोया मशहूर फिल्म निर्देशक है जावेद अख्तर सभी त्यौहार मनाते हैं लेकिन किसी धर्म में आस्था नहीं रखते वो खुद को नास्तिक मानते हैं उनका कहना है कि उन्हें हिंदू और मुस्लिम दोनों मतों के मानने वाले कुछ लोग ट्रोल करते हैं इतना ही नहीं मुस्लिम एक्स एक्स्ट्रीमिस्ट ने उनका नाम अमर रख दिया था वहीं हिंदू उन्हें जिहादी बोलते हैं जावेद अक अख्तर ने बताया कि वो चाह कर भी अपना धर्म क्यों नहीं बदल सकते जावेद अख्तर ने मोजो स्टोरी के लिए बरखा दत्त से दिल खोलकर बात की बरखा ने जावेद से पूछा कि सोशल मीडिया पर उन्हें ट्रोल किया जाना आम बात है सबसे फ़नी चीज़ उन्होंने अपने बारे में क्या सुनी इस पर जावेद बोले मुझे जिहादी कहा गया जबकि मैं नास्तिक हूँ मुझे तो ऐसे लोगों से तीन चार बार पुलिस प्रोडेक्शन दिया गया है ये मूर्खता है लोग सोशल मीडिया पर किसी को भी गाली देने की आज़ादी को इंजॉय करते हैं इसे सीरियसली लेना मूर्खता होगी मुझे दो दोनों साइड से गालियाँ पड़ी है कुछ मुस्लिम ने तो मेरा नाम तक बदल दिया अमर नाम दे दिया हिंदू एक्सट्रीमिस्ट बोलते हैं पाकिस्तान जाओ जावेद बोले अब जब दोनों में से एक ट्रोल करना बंद कर देता है तो चिंता होती है जब तक दोनों लोग ट्रोल कर रहे हैं ठीक है जावेद अख्तर ने कहा मैं मुस्लिम नास्तिक हूँ धर्म को नहीं मानता धर्मों को भी नहीं मानता मैं मुस्लिम परिवार में पैदा हुआ हूँ मेरे पास मुस्लिम होने के सिवा कोई रास्ता नहीं है क्योंकि इसके लिए मुझे धर्म बदलना पड़ेगा लेकिन मैं किसी धर्म को भी नहीं मानता तो उनमें क्यों जाऊँ मैं भले ही मुस्लिम धार्मिक मतों को ना मानूं लेकिन मुस्लिम होना मुझसे जुड़ा जावेद बोले बहुत से लोग नास्तिक हैं लेकिन वे समाज के प्रेशर में स्वीकार नहीं कर पाते उनकी हालत ऐसी है जैसे साठ साल पले गए लोगों की थी लोग समाज की वजह से सामने नहीं आ पा रहे हैं और मैं शबाना सारे त्यौहार मनाते होली दिवाली सारे मौसम के त्यौहार धर्मों में ने इन्हें ले लिया है ताकि त्यौहार आकर्षक बना सके हिंदी सिनेमा के महत्वपूर्ण गीतकार और फिल्म पटकथा को एक एक्स यूजर ने गद्दार का बेटा तक कह दिया था जावेद अख्तर ने उस यूजर को बेहद तीखे अंदाज में जवाब दिया दरअसल हुआ ये कि जावेद अख्तर ने अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन को लेकर एक पोस्ट एक्स पर लिखा है उन्होंने लिखा मैं अपने भारत के नागरिक होने पर गर्व करता हूं और अपने आखिरी सांस तक मैं ऐसा ही रहूंगा मेरे और जो बाइडन के बीच एक बहुत ही कॉमन बात है हम दोनों के पास अमेरिका का अगला राष्ट्रपति बनने का समान अवसर है जावेद अख्तर के इस पोस्ट पर विवेक शर्मा नाम के एक यूजर ने उन्हें गद्दार का बेटा कह डाला विवेक शर्मा ने आगे लिखा आपके पिता ने मुसलमानों के लिए अलग राष्ट्र बनाने में प्रमुख भूमिका निभाई थी आप गद्दार के बेटे हैं जिन्होंने धर्म के आधार पर हमारे देश को बांटने का काम किया अब आप कुछ भी कहें पर यह सच है इसके जवाब में उन्होंने विवेक शर्मा को जवाब देते हुए बताया कि उनके परिवार ने भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में किस तरह बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था गीतकार जावेद अतकर ने बताया कि और लिखा कि ये तय कर पाना मुश्किल हो रहा है कि तुम पूरी तरह अज्ञानी हो या बेवकूफ मेरा परिवार 1857 में भारत स्वतंत्रता संग्राम की पहली लड़ाई में शामिल रहा है वे जेल गए उन्हें काला पानी की सजा हुई जब संभवतः तुम्हारे बाप और दादा अंग्रेजी सरकार के जूते चाट रहे थे जावेद अख्तर और सलीम खान का नाम सलीम जावेद के नाम से काफी मशहूर हुआ था सलमान खान के पिता सलीम खान और जावेद अख्तर ने चौबीस फिल्मों की पटकथा साथ मिलकर लिखी जिनमें से बीस फिल्में सुपर डुपर हिट हुई थी उनकी हिट फिल्मों में हाथी मेरे साथी अंदाज अधिकार सीता और गीता यादों की बारा जंजीर हाथ की सफाई दीवार शोले चाचा भतीजा डॉन त्रिशूल दोस्ताना क्रांति जमाना मिस्टर इंडिया जैसी कई हिट फिल्में थी इस जोड़ी की लिखी हुई चौबीस फिल्मों में से बीस हिट थी जावेद अख्तर के पिता जॉन निसार अख्तर भारत के बड़े शायरों में से शामिल हैं जॉन निसार अख्तर भारत के 20वीं सदी के एक महत्वपूर्ण उर्दू शायर गीतकार और कवि थे उन्होंने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से सनम 1935 थर्टी टू थर्टी में उर्दू में गोल्ड मेडल के साथ एम किया था उन्हें भारत के उर्दू गज़लों और नज़मों में बहुत ऊँचा स्थान हासिल है वे प्रगतिशील लेखक आंदोलन का हिस्सा रहे हैं उन्होंने हिंदी फिल्मों के लिए कई शानदार गीत भी लिखे हैं जॉन के पिता और जावेद अख्तर के दादाजी मुख्तजर खैराबादी कवि दार्शनिक और स्वतंत्रता सेनानी रहे जॉन जॉनिसार के परदादा फजल हक खैराबादी अपने ज़माने के ख्याति प्राप्त कवि थे और भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन ने उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाई जावेद अख्तर ने हालिया इंटरव्यू में अपनी शराब की लत और पहली पत्नी हनी रानी के बारे में भी बात की जावेद अख्तर और हनी रानी की शादी 1972 में हुई थी 1985 में दोनों ने अलग होने का फ़ैसला कर लिया उसके बाद जावेद ने शबाना आज़मी से शादी की जावेद ने इस इंटरव्यू में बताया कि वो शराब के नशे में कोई दूसरे भी इंसान बन जाते थे गंदी भाषा का यूज़ करते थे वो बताते थे, थे कि शबाना आज़मी को भी किसी तरह से दस साल तक उनकी आदत झेलनी पड़ी फिर उनके जीवन में कुछ हुआ जिसके बाद उन्होंने शराब पीना ही छोड़ दिया जावेद अख्तर ने अपनी पर्सनल लाइफ का ही उदाहरण देते हुए इंडिया में यूनिफॉर्म सिविल कोर पर मोजो स्टोरी पर बात करते हुए कहा मैं यूनिफॉर्म सिविल कोर में जी रहा हूं मैंने एक महिला से शादी की ग्यारह साल बाद तलाक हो गया मुस्लिम लॉ के मुताबिक मैं उसे सिर्फ चार महीनों तक ही भत्ता देने के लिए जिम्मेदार हूं लेकिन मैं ऐसा नहीं सोचता वो मेरी जिम्मेदारी थी वो उनका फ़ैसला है कि वो मेरा सपोर्ट चाहती हैं या नहीं लेकिन जो भी चाहती थी और जो भी चाहेंगी वो मैं करूँगा वो एक सेल्फ़ रिस्पेक्टिंग पर्सन है लेकिन मैं हमेशा मदद के लिए रेडी हूँ मैंने घर छोड़ा था कुछ किताबों और कुछ कपड़ों के साथ सिर्फ इतना ही नहीं अब हम बेस्ट फ्रेंड हैं जिसकी वजह हमारा रिलेशनशिप और एक दूसरे को समझना है शराब की लत का जावेद की शादी पर क्या असर पड़ा इस बाबत को वो कहते हैं मैंने बीस इक्कीस की उम्र में ही शराब पीना स्टार्ट कर दिया था और जब मैं फोटी टू ईयर्स का हुआ तब उससे छोड़ा मैं हर रात एक बॉटल शराब पीता उर्दू शायरों के लिए ये बहुत आम बात है कि आप खूब शराब पियो क्योंकि वो मानते हैं कि शायरों और आर्टिस्ट को बिना किसी टेंशन के रहना चाहिए और ख़ूब पीना चाहिए मुझे लगता है कि मैं भी उन गलत बातों में आ गया था दूसरी ओर जो भी तहजीब मैंने लखनऊ में सीखी उसने मुझे कभी भी गलत भाषा या शब्दों का इस्तेमाल नहीं करने दिया तो सारी कड़वाहट मेरे अंदर भरती गई ऐसे में जब मैं शराब पीता तो वो भी बंधन टूट जाती मैं बहुत ख़राब शख्स बन जाता और गंदी भाषा का यूज़ करता मैं कोई और ही शख्स बन जाता था ये स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा नहीं था बुरा था और इससे दूसरों को भी समस्या हो रही थी अगर मैं एक अच्छा और ज़िम्मेदार शख्स होता तो आज चीज़ें काफ़ी अलग होती जावेद अख्तर ने बातचीत में ये भी बताया कि उनकी दूसरी पत्नी शबाना आज़मी ने शुरुआती दस साल किसी तरह से उनकी शराब की हरकतों को झेला वहीं 42 साल की उम्र में उन्होंने खुद ये चीज़ एहसास कर लिया कि अगर वो ऐसे ही पीते रहे तो जल्दी दुनिया को अलविदा कह देंगे इसलिए उन्होंने शराब पीना बंद कर दिया जावेद अख्तर की पहली बीवी जो थी उसको उन्होंने छोड़ दिया था क्यों छोड़ा था क्योंकि जावेद अख्तर बहुत ही ज़्यादा अल्कोहलिक थे इस वजह से उनका रिश्ता टूट गया बॉलीवुड गीतकार जावेद अख्तर ने यूनिफॉर्म सिविल कोड के संदर्भ में यानी कॉन्टेक्स्ट में एक बात कही इस बयान की चर्चा खबरों में होने लगी है और ये सोशल मीडिया पर भी वायरल है उत्तराखंड में लाए गए यूसीसी के प्रावधानों पर बात करते हुए उन्होंने कहा कि वो कई सालों से यूसीसी के समर्थन में है लेकिन इसको सिर्फ एक राज्य में कैसे लाया जा सकता है उन्होंने कहा ये केंद्र सरकार का काम है अगर हर राज्य इसका अपना अपना वर्जन बनाने लगे तो फिर ये यूनिफॉर्म कैसे रह जाएगा और यूसीसी के बहाने मुसलमानों को कोसा नहीं जाना चाहिए अब ये समय आ गया है और ऐसा होना भी चाहिए एक से ज़्यादा शादी पर रोक लगनी चाहिए इसको सभी के लिए लिए लाना होगा क्या आप इसके लिए आप इसके तैयार हैं या फिर इसे सिर्फ अल्पसंख्यकों के संदर्भ में देख रहे हैं यूसीसी का इस्तेमाल अल्पसंख्यकों को कोसने के लिए नहीं किया जाना चाहिए पूरी तरह से सही लॉजिकल और केंद्र की तरफ से होना ही चाहिए और इस पर पूरी तरह से चर्चा होनी चाहिए ऐसा नहीं है कि आप कोई नियम लाएं और लागू कर दें पहले उस पर अच्छे से चर्चा होनी चाहिए ऐसा हुआ नहीं जावेद अख्तर ने कहा जो लोग यूसीसी की बात कर रहे हैं मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि क्या उन्होंने अपनी बेटी को आधी संपत्ति का अधिकार दे दिया है अगर नहीं दिया तो चुप रहो एकदम चुप रहो इसके बाद जाविद हंसते हुए और मजाक अंदाज में कहते हैं वो इस बात से चलते हैं कि मुसलमानों को चार बीवी रखने का अधिकार है और उन्होंने उनको नहीं क्या यू लाने का यही कारण है इसका मतलब है कि आप ये अधिकार होना चाहिए उसके बाद आप खुश हो जाएंगे और फैक्ट ये है कि आप गैर कानूनी ढंग से ये कर रहे हैं जावेद की ये पंक्तियां वायरल हो रही उन्होंने सरकारी आंकड़ों का हवाला देते हुए कहा कि एक से ज्यादा शादी के मामले में हिंदुओं में मुसलमानों से ज्यादा है इस दौरान उन्होंने औरतों के अधिकार की बात की उन्होंने कहा कि ओ से औरतों की प्रॉपर्टी से अधिकार मिलना चाहिए ये सारे बयान उन्होंने एक पॉडकास्ट प्रोग्राम में बताई है महाराष्ट्र में कार्यक्रम के दौरान स्क्रीन राइटर गीतकार जावेद अख्तर ने जय सिया राम के नारे लगाए उन्होंने वहाँ मौजूद लोगों से भी नारे लगवाए दिवाली के मौके पर महाराष्ट्र नवीन निर्माण सेना की ओर से शिवाजी पार्क में दीपोत्सव कार्यक्रम मनाया गया यहाँ गीतकार जावेद अख्तर भी पहुंचे थे उन्होंने भगवान राम और सीता को भारत की सांस्कृतिक विरासत बताया है इस कार्यक्रम में राज ठाकरे भी मौजूद थे जावेद ने सामने खड़ी भीड़ से तीन बार जय सिया राम का नारा दोहराने को कहा सबने दोहराया भी इसके बाद उन्होंने कहा आज से जैसिया आराम ही कहिएगा जावेद अख्तर ने आगे कहा हमने तो हिंदुओं से ही जीना सीखा है अगर उनकी सहनशीलता खत्म हुई तो वे दूसरे की तरह और हो जाएंगे उन्होंने कहा हमारी संस्कृति में कृष्ण जी की बहुत ही महिमा बड़ी है लेकिन जब भी हम आइडियल मर्यादा पुरुषोत्तम और आइडियल वाइफ के बारे में बात करते हैं तो वो राम और सीता ही ध्यान में आते हैं उन्होंने मूवी शोले का जिक्र करते हुए कहा अगर आज शोले मूवी बनती तो मंदिर में हेमा मालिनी और धर्मेंद्र के डायलॉग्स पर बवाल मच जाता आज समाज में असहिष्णुता बढ़ गई है यह अच्छी बात नहीं है गीतकार जावेद अख्तर ने भारत की विविधता का उल्लेख करते हुए कहा कि भारत में हमेशा ये माना गया है कि लोग एक दूसरे से अलग सोच रख सकते हैं उन्होंने कहा कोई मूर्ति पूजा करे तो भी हिंदू ना करे तो भी हिंदू इस कार्यक्रम में जावेद ने बात पर जोर दिया कि हिंदू धर्म विविधता का सम्मान करना सिखाता है उन्होंने कहा कि हिंदू संस्कृति ने हमें लोकतांत्रिक गुण सिखाए हैं इसलिए इस देश में लोकतंत्र है उन्होंने कहा यह सोचना कि हम सही हैं और बाकी सब गलत ये हिंदू का काम नहीं है जो आपको ऐसा सिखाए वो गलत है असहिष्णुता पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि हिंदू असहिष्णुता नहीं थे हिंदुओं ने लगातार अपने दिल को बड़ा किया और उनकी विशालता है कि उनकी खूबी रही है कार्यक्रम में स्क्रीन राइटर सलीम खान और अभिनेता रितेश देशमुख की उपस्थिति थी साल 2020 में कंगना नरोट ने एक टीवी इंटरव्यू दिया था जहां उन्होंने जावेद अख्तर पर गंभीर आरोप लगाए उन्होंने कहा कि साल दो में जावेद अख्तर ने उन्हें अपने घर बुलाया ऋतिक रोशन के परिवार से माफ़ी मंगवाने को कहा कंगना ने कहा कि जावेद ने उन्हें धमकी दी कि तुम्हारा करियर खत्म हो जाएगा कंगना के ऐसे आरोपों के बाद जावेद अख्तर ने उनके खिलाफ मानहानि का मुकदमा जारी कर दिया जावेद अख्तर ने जब कंगना को अपने घर बुलाया तब क्या हुआ था इसका जवाब हाल ही में उन्होंने कोर्ट में दिया है इंडिया टुडे में छपे रिपोर्ट के मुताबिक इस केस के सिलसिले में जावेद अख्तर बीते मंगलवार को मजिस्ट्रेट कोर्ट में पेश हुए थे उन्होंने वहां बताया कि उस रात आखिर हुआ क्या था जब कंगना अपनी बहन रंगोली के साथ उनके घर आई थी जावेद ने बताया कि वो कंगना को नहीं जानते थे डॉक्टर रमेश अग्रवाल नाम के उनके एक दोस्त हैं जो कंगना के भी करीबी हैं उनके जरिए से जावेद अख्तर कंगना से मिले थे उन्होंने इस बारे में

ये भी जोड़ा कि वो वहाँ से नाराज होकर नहीं निकली थी बता दें कि कंगना ने अपनी टीवी इंटरव्यू में कहा था कि जावेद ने उन्हें अपने घर बुलाया कहा कि राकेश रोशन और उनके परिवार से माफी मांगो वो लोग बहुत बड़े हैं अगर उनसे माफी नहीं मांगोगे तो कहीं की नहीं रहोगी वो तुम्हें जेल में बंद करवा देंगे इस इंटरव्यू में ब्रॉडकास्ट होने के बाद जावेद अख्तर ने कंगना के ख़िलाफ़ डिफेमेशन का भी केस फाइल किया था उन्होंने कहा कि कंगना ने इंटरव्यू में जो कुछ कहा वो पूरी तरह झूठ है कोर्ट ने जावेद का बयान ले लिया आप दो हफ्ते बाद उनके सेक्रेटरी को भी गवाह के तौर पर बुलाया गया था बाकायदा खैर सन दो का वकाया है सन 2010 का जावेद अख्तर अपने घर पर कमरे में बैठे हैं एक तरफ मोबाइल फोन रखा है और दूसरी तरफ लैंडलाइन एक कॉल आता है जावेद लैंडलाइन उठाते हैं तो दूसरी तरफ कोई अनजान शख्स कहता है कि सुनो तुम्हारे बारे में लखनऊ में क्या हो रहा है इसके बाद बस जावेद अख्तर मुर्दाबाद के नारे सुनाई देते हैं बात तब की है जब जावेद अख्तर को कांग्रेस ने राज्यसभा के लिए नामित किया गया था अपनी जिंदगी पर लिखी किताब जादूनामा के बारे में बात करने के लिए जावेद अख्तर दी लल्लन टॉप के स्पेशल शो गेस्ट इन द न्यूज रूम में आए यहीं उन्होंने राज्यसभा के लिए नामित होने और दूसरी तरफ विरोध प्रदर्शन से जुड़ा किस्सा सुनाया जावेद अख्तर ने बताया हुआ ये कि किसी टीवी चैनल पर हिजाब और पर्दे को लेकर शिया दर धर्म गुरु कल्पे जवाब से मेरी बहस हो गई अब मुझे इतना मालूम नहीं है तो मैंने उनसे सीधा सवाल किया कि शिया देश ईरान में सिर पर हिजाब होता है लेकिन चेहरा फिर भी खुला होता है तो ये जो आप इस्लाम में नकाब की बात करते हैं ईरान में तो ऐसा है ही नहीं इसका जवाब देते हुए कलबे जवाब बोले कि एक इमाम खुमैनी कहते थे परदा नहीं होना चाहिए और इमाम खुमानी कहते हैं कि परदा होना चाहिए अब मैंने फिर उनसे कहा कि मैं तो जाहिल आदमी हूँ आप ही बता दो कि दोनों में से कौन सही है बस अब इसका जवाब था नहीं तो कलबे जवाब गुस्सा हो गए जब जावेद अख्तर बताते हैं कि इस डिबेट के तीन चार दिन बाद उनके पास एक फ़ोन आया फ़ोन पर अनजान शख्स बोला कि सुनिए लखनऊ में आपके लिए क्या हो रहा है फिर फ़ोन पर जावेद अख्तर मुर्दाबाद के नारे सुनाई देने लगे असल में वो लोग जुम्मे यानी शुक्रवार की नमाज के बाद मेरा पुतला जला रहे थे इसी समय जावेद के मोबाइल पर राज्यसभा नॉमिनेशन को लेकर कॉल आया जावेद बताते हैं जब लैंडलाइन पर मुझे नारे सुनाई दे रहे थे तभी मोबाइल फ़ोन भी बजा उधर वाले शख्स ने बोला कि आप राज्यसभा के लिए चुने गए हैं जावेद अख्तर कहते हैं कि बताइए इस पर किसी को विश्वास होगा कि एक कान में मुर्दाबाद के नारे और दूसरे काम में राज्यसभा की खबर है गजराज राव एक अभिनेता हैं जो मुख्य रूप से हिंदी फिल्मों में अभिनय करते हैं उन्हें कॉमेडी फिल्म बधाई हो में उनके प्रदर्शन के लिए काफी लोकप्रियता मिली इस मूवी के लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ सहायक का फिल्मफेयर

उनकी मूवी मजा के बहाने मीडिया ने उनसे कुछ बातचीत की और पूछा टेलीवाइज प्ले क्या होता है आप आकर्षक खुराना के साथ एक टेलीवाइज प्ले कर रही हैं गुनेगार नाम से इस पर उन्होंने कहा मशहूर नाटक को रिकॉर्ड करके अपने चैनल पर टेलीकास्ट करते हैं टीवी चैनल्स धीरे धीरे उस तकनीक में सुधार आता गया पहले टू डायमेंशन में होता था जैसे हम थिएटरों में बैठकर देखते हैं अब उसके अलग अलग एंगल भी होते हैं तो आकर्षक ने उसकी तरह शूट किया है नाटक का जो रोमांच है जो ठहराव है वो ऑडियंस को इसमें देखने को मिलेगा सेकंड क्वेश्चन ये था मीडिया ने पूछा कि मनोज बाजपेयी के साथ आपने रे में काम किया उसके बारे में बताइए उन्होंने कहा मनोज को मैं थिएटर की वजह से जानता था बहुत सालों से साथ एक्टिंग का काम नहीं किया था हंगामा है क्यों बर्पा में समझ लीजिए ऐसा हुआ जैसे जाकिर खान साहब और अमजद अली खान की जुगलबंदी हो जाए मनोज का तजुर्बा ज्यादा है मुझसे और आंखों ही आंखों में हमारी जुगलबंदी हो जाती थी एक डायरेक्टर से ज़्यादा एक को एक्टर आपके बारे में बेहतर राय दे सकते हैं सीन के बारे में आपकी एक्टिंग के बारे में तो वो हमारा बहुत अच्छा चला और रोमांच था उनसे पूछा गया कि आपके लिए सबसे मुश्किल रोल कौन सा रहा और उसकी तैयारी आपने कैसे की गजराज ने कहा कि बधाई वो कह सकते हैं पहले तलवार एक मुश्किल प्रोजेक्ट था क्योंकि उसका माहौल बैकड्रॉप कहानी इतनी सेंसिटिव थी और उसके अंदर जो मेरा कैरेक्टर था वो उठपटांग था दिल्ली में मई जून में शूट हो रही थी तो मुझे लगता था कि वो एक मुश्किल पार्ट था पर उससे ज़्यादा तैयारी लगी थी जितेंद्र कौशिक के रोल के लिए क्योंकि वो मेरी लाइफ का सबसे इंपॉर्टेंट और बड़ा पार्ट था जैसे मेरी जिंदगी बदल गई जैसे कोई छोटी चाय चप्पू वाली नाओ और उससे कहा जाए कि अब आप स्टीमर चलाओ तो इतना फर्क था उसमें फिर उनसे ये पूछा गया कि बधाई होगा किरदार आपके लिए मुश्किल क्यों था उन्होंने जवाब दिया कि उससे पहले मैंने जो भी रोल्स किए थे मुझे प्रेशर नहीं होता था कि मेरी वजह से कुछ बिगड़ जाएगा या मूवी का ग्राफ ऊपर नीचे हो जाएगा पर यहाँ मैं मुख्य किरदार था उसके बोलने का तरीका जबान उसका अपनी पत्नी के साथ रिश्ता अपने बेटों और मां के साथ रिश्ता ये सब अलग कैसे दिखे तो डायरेक्टर अमित शर्मा पूरी तरह से जागरूक थे कि वो एक जैसा ना लगे प्रिपरेशन के लिहाज से ये मुश्किल था उनसे ये पूछा गया कि आपने और नीना जी ने अपनी केमिस्ट्री पर कैसे काम किया तो गजराज ने कहा कि नीना जी का तजुर्बा मुझसे ज्यादा है और मैं शुरुआत में उनसे थोड़ा नर्वस था उनकी छवि है कि वो एक तेज़ तरार औरत है वो एन से है मैं एक छोटी नाटक कंपनी से था तो आपके अंदर भी डाउट होते हैं कि आप कर पाएंगे या नहीं लेकिन पहली रीडिंग में ही वो बहुत सहज थी दुनिया में हर जगह जो आपसे सीनियर होता है वो रिलेशनशिप सेट करता है तो इसका सारा श्रेय मैं नीना जी को ही देना चाहूँगा वो बहुत तत्पर रहती थी रिहर्सल्स के लिए फिर उनसे ये पूछा गया कि मजा मा में माधुरी के साथ काम करने का अनुभव कैसा रहा उस पर उन्होंने कहा माधुरी के साथ फिर से मैंने ये सब महसूस किया क्योंकि वो इतनी सारी फिल्में कर चुकी इतने पुरस्कार मिले करोड़ों लोग प्रशंसा करते पूरी दुनिया में मुझे लग रहा था कि सेट पर दो अलग अलग क्यूबिकल्स होंगे उन तक पहुंचने की शॉट के बाद की। लेकिन ऐसा कुछ नहीं था शॉट्स के बीच हम अंतर्राक्षी खेलते थे एक्टिंग का मतलब हो, होता था वेटिंग की शॉट्स के बीच आप क्या कर रहे हो इस वेटिंग के बीच आप कैसे जीवन को मनोरंजक बनाए रखते हो अपने को एक्टर्स के साथ क्या बातचीत करते हो क्योंकि उससे ऊर्जा बनी रहती है इसके बाद उनका अगला सवाल ये था कि आप दोनों के बीच कभी झजक हुई कि आप स्टार स्ट्रक हो गए तो उन्होंने कहा आपकी मसल मेमोरी बताती है कि आपने मोहिनी निशा जैसे किरदार निभाने वाली को रीगल ऑडियन और प्लाजा जैसे सिनेमा हॉल में देखा है उनके साथ अचानक आपको काम करना है जैसे आप गली क्रिकेट खेलते हो अपने टेनिस बॉल के साथ नहीं अच्छे से चल रही है आप तेंदुलकर के फैन हो अचानक आपको बोल दिया जाए कि आपको वनडे में वांगेड़े में तेंदुलकर के साथ खेलना है और तेंदुलकर आपको टिप्स भी देते हैं क्रीज़ पर खड़े होकर ताकि आप नर्वस ना फील करें पहले सीन में आधे दिन के लिए पटेल हावी हो गया और वो मनोहर और पल्लवी पटेल के बीच का रिलेशनशिप होने लगा बीती 10 अप्रैल अजय देवगन की मूवी मैदान रिलीज हुई मूवी बॉक्स ऑफिस पर तगड़ी कमाई नहीं कर पाई लेकिन मूवी को अच्छा रिस्पॉन्स वर्ड ऑफ माउथ मिला था गजराज राव ने मूवी में रॉय चौधरी नाम का एक नेगेटिव रोल किया है इसमें वो मूवी में स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट बने हैं मूवी की रिलीज के बाद यहाँ अजय देवगन से लेकर शाहरुख खान से जुड़े किस्से बताए गजराज राव ने दिल से में शाहरुख के साथ काम किया था उन्होंने एक सीन की मेकिंग की कहानी सुनाई जब शाहरुख ने उन्हें जोर से धक्का देने को कहा गजराज ने बताया एक सीन था जहाँ मुझे शाहरुख को पकड़ के धक्का देना था रिहर्सल मैंने उन्हें धक्का देकर दीवार में चिपकाया रिहर्सल को हो गई मनीष सर आए बोले गजराज थोड़ा ध्यान रखो तुमको इसे इतना जोर से धक्का नहीं देने की जरूरत है उनको लगा कि बड़ा स्टार है इतनी जोर से धक्का नहीं देना चाहिए वो चले गए शाहरुख ने चुपके से कहा हेलो गजराज तुम वैसे ही धक्का दो वो सीन फिर वैसे ही हुआ उन्होंने बताया कि दिल से के वक्त भी शाहरुख बहुत बड़े स्टार थे एक बार वो लोग दिल्ली में शूट कर रहे थे और लोगों ने अपनी गाड़ियां उनके पीछे लगा दी इस किस्से के बारे में बताया दिल से में एम्बुलेंस का एक सीन था उसमें हम शाहरुख के किरदार को एम्बुलेंस में लेकर जा रहे थे शूटिंग दिल्ली में हो रही थी आसपास गाड़ियां दौड़ रही थी लोगों को पता चल गया वो एम्बुलेंस का पीछा करने लगे भयानक हो गया था फिर शाहरुख ने एम्बुलेंस रुकवाई उन्होंने लोगों से कहा कि मैं एक बहुत अहम सीन शूट कर रहा हूँ अगर कोई हादसा हुआ तो आप लोगों का नुकसान होगा हमारी शूटिंग रुकेगी क्या आप लोग ऐसा चाहते हो सौ में से पचास गाड़ियां थी वो सब छितर बितर हो गई गजराज राव ने कहा कि हजार लोगों की भीड़ में भी शाहरुख आपको अहम महसूस करवाएंगे उसके बाद उन्होंने मैदान और भोला के अपने कोस्ट अजय देवगन पर बात की उन्होंने कहा कि अजय की पकड़ दोनों किस्म के सिनेमा पर है वो जितनी आराम से गोलमाल और सिंघम जैसी फिल्में करते हैं ठीक उसी तरह रेनकोट और दृश्यम जैसी फिल्में भी करते हैं बता दें कि अजय देवगन की आने वाली फिल्मों में बड़े नाम शामिल हैं उन्होंने हाल ही में रेड टू की शूटिंग पूरी की है उसके अलावा वो सिंघम अगेन पर भी काम कर रहे हैं उससे फारिग होने के बाद दे दे प्यार दे टू और सन ऑफ सरदार टू की शूटिंग स्टार्ट करेंगे आयुष्मान खुराना की फिल्मी करियर में दो था का साल गर्मी में किसी ठंडे हवा के झोंके की तरह है उस बरस उनकी दस बारह दिनों की अंतराल में दो फिल्में रिलीज हुई इन फिल्मों के जरिए उन्होंने बॉलीवुड में जो अंगत का पांव जमाया उसे हटाना बहुत ही मुश्किल था पांच अक्टूबर को अंधाधुन आई से ठीक तरह तेरह दिन बाद यानी अठारह अक्टूबर को रिलीज हुई बधाई हो बधाई हो उन फिल्मों में से थी जिसने सोशल मैसेज के साथ लोगों को एंटरटेन भी किया उन्तीस करोड़ की मूवी ने वर्ल्ड वाइड टू हंड्रेड ट्वेंटी वन सी आर कमाई इसमें आयुष्मान के अलावा एक और एक्टर थे जिनके करियर को इस मूवी ने जेंटल पुश दिया उस एक्टर का नाम गजराज राव प्यारे दुलारे जीतू कौशिक जी आपको याद होंगे जनता ने इस रोल को खूब प्यार दिया इस रोल में गजराज राव के अभिनय को क्रिटिकली सराहा गया इसके लिए उन्हें बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर का फिल्म फेयर अवार्ड भी मिला बधाई होम एक सीन है इसमें हमेशा अपनी बहू का विरोध करने वाली सास उसके पक्ष में उठ खड़ी होती है उस सास का किरदार निभाया था सुरेखा सिकरी ने ये सीन मूवी में उनके बेटे बने गजराज राव का भी फेवरेट है इंडियन एक्सप्रेस के साथ इंटरव्यू में उन्होंने इस सीन को याद करते हुए सुरेखा सिकरी की खूब तारीफ भी की थी क्या इंटेंसिटी थी बाप रे बाप यहीं से मुझे सीन में रिएक्ट करने की एनर्जी मिली बधाई हो मेक सीन है इसमें हमेशा अपनी बहू का विरोध करने वाली सास उसके पक्ष में उठ खड़ी होती है उस सास का किरदार निभाया था सुरेखा सिकरी ने यह सीन मूवी में उनके बेटे बने गजराज राव को भी फेवरेट है इंडियन एक्सप्रेस के साथ इंटरव्यू उन्होंने इस सीन को याद करते हुए सुरेखा सिकरी की खूब तारीफ भी की थी दरअसल इस क्लाइमेक्स सीन में गजराज राव के कुछ खास डायलॉग नहीं थे बस उन्हें सुरेखा सिकरी की बात पर रिएक्ट करना था हाँ माँ बोल गजराज का कहना है वो मेरे लिए सबसे मुश्किल था क्योंकि बिना लाइंस के वो सीन है हालांकि गजराज जिन सुरेखा सिकरी की तारीफ़ कर रहे हैं डायरेक्टर अमित शर्मा उन्हें इस रोल में नहीं लेना चाहते थे वो श्योर नहीं थे कि सुरेखा इस रोल में कैसा परफॉर्म करेंगी कैसा नहीं रोल में फिट बैठेंगी भी या नहीं दरअसल सुरेखा सिकरी का बालिका वधू में निभाया किरदार शंका की वजह था मगर फाइनली सुरेखा ने ही दादी का किरदार निभाया और क्या खूब निभाया क्लाइमेक्स सीन के बारे में गजराज का कहना है मेरे साथ ऐसा कभी नहीं हुआ पूरा गला बैठ गया मेरा गले में जैसे कुछ चला गया हो ये उस मूवी का जादू है उस मूवी की हर मेमोरी हर सीन चौबीस कैरेट है गजराज राव ने मूवी के गाने सजन बड़े सेंटी से जुड़ी एक याद भी साझा की मैंने अमित से पहले ही कहा था कि मुझे डांस करना नहीं आता तो मैं सीन में मुझसे जो भी कुछ करवा लो शायद ना कर पाऊँ पर सीन करने के बाद मुझे लगा ये कैसे हो गया बधाई हो में गजराज राव सुरेखा सिकरी और आयुष्मान खुराना के साथ सान्या मल्होत्रा और शीबा चड्डा ने भी काम किया था इस मूवी को अमित शर्मा के डायरेक्टर ने डायरेक्ट किया है अब सुरेखा सिकरी इस दुनिया में नहीं है सुरेखा सिकरी की कहानी आप कहीं पे भी यूट्यूब वगैरह पे देख सकते हो खैर अब जो है गजराज राव अब नजर आने वाले हैं अपकमिंग मूवी युद्धरा में उसमें देखना होगा कि उनका नेगेटिव रोल है या पॉजिटिव या ग्रे शेड बॉलीवुड की कई फिल्मों में नेगेटिव किरदार निभाने ने वाले एक्टर राज अर्जुन ने वेब दुनिया से खास बातचीत की उन्होंने कहा ऐसा लगता है कि मुझे किसी भी रोल के लिए चुनना इसलिए जाता है क्योंकि हर किरदार की अपनी एक मांग होती है कोई कैरेक्टर अगर किसी मूवी में है चाहे नेगेटिव रोल ही क्यों ना हो मुझे अच्छा लगता है कि उस रोल में मैं उस व्यक्ति का कैरेक्टर दिखाऊं उसके अंदर क्या पीड़ा है और किस ट्रॉमा से वो गुजर रहा है इतना नेगेटिव बना है ये दिखाने की मैं कोशिश करता हूँ आज के समय में शायद इस तरह के किरदारों और एक्टर्स को ढूंढा जा रहा है और ये भी वजह हो सकती है मेरे पास बड़े अनोखे अनोखे किस्म के किरदार आते हैं चाहे वो सीक्रेट सुपरस्टार का गुस्सेल पिता हो या फिर आर्टिकल 370 का सरकारी ऑफिसर हो ये कहना है राज अर्जुन का जो कि कई फिल्मों में अपने बेहतरीन अभिनय की वजह से सारे ही किरदारों में अलग से चमक रखते हुए लोगों को याद रह जाते हैं हाल ही में वो राजाकार फिल्म में नजर आए थे राज अर्जुन ने वेब दुनिया से राजाकार सीक्रेट सुपरस्टार और अपनी कई फिल्मों के बारे में बातचीत की और साथ ही उनकी बेटी सारा के बारे में भी खुलकर बातें कही राज अपनी बातों को आगे बढ़ाते हुए कहते हैं मैं अगर ये कहूँ कि मुझे कोई रोल मिलता है एक दो महीने की मेहनत होती है और उसके बाद हम शूट करना स्टार्ट कर देते हैं ये तो पूरी तरह से सही नहीं है राज ने कहा एक्टिंग इस बात पर भी निर्भर करती है कि आपकी पैदाइश कहाँ की है आप किस परवरिश में पले बढ़ कर यहां तक पहुंचे हैं और आपने अपनी जिंदगी में क्या क्या एक्सपीरियंस किए हैं किन किन बातों से आप गुजरे हैं और इन सब बातों का असर आपके एक्टिंग पर जरूर आता है ऐसे में अगर आपने थिएटर कर लिया तो सोने पर सुहागा ही हो गया क्योंकि थिएटर ही जो आपको सिखाता है कि किसी भी कैरेक्टर की जिंदगी का हिस्सा कैसे बने उस कैरेक्टर की बातों को कितना छूना है इतना छोड़ देना है और कहां पर ये मान लेना है कि इसे ज्यादा एक्टिंग नहीं लानी है नहीं तो ये वो ओवर लगने लग जाएगा इसके बाद फिर बहुत सारी चीजें आपकी खुद की सोच पर भी निर्भर करती है कई बार प्रोड्यूसर ऐसी कहानी आपके सामने लेकर आते हैं जो एकदम ही फिक्शन हो तब आपको फिल्मों की जो स्क्रिप्ट है उसके अंदर से अपने पॉइंट निकाल कर कैरेक्टर को बनाना होता है और अगर मूवी ड्रेसे की रजाकार फिल्म रही हो जिसमें लोगों को थोड़ा बहुत मालूम है तो थोड़ी सी पढ़ाई करनी पड़ती है एक तरफ तो आप रजाकार में कासिम रिजवी जैसे क्रूर व्यक्ति का रोल निभाते हैं फिर सीक्रेट सुपरस्टार में आप एक बड़े ही बद दिमाग पिता हैं इन सबसे परे टीवी पर साईं बाबा का रोल निभाते हैं तो इतने अलग अलग किरदार को देख आपकी बेटी जो खुद एक एक्ट्रेस है उसकी तरफ से कभी कोई बात नहीं आती वो मेरे इतने सारे रोल्स को देखकर बहुत खुश होती है मैंने उसको बचपन से ये सिखाया है कि चाहे नेगेटिव किरदार हो चाहे पॉजिटिव किरदार हो वो एक व्यक्ति ही है अंत में इतनी जल्दबाजी में कभी भी अपने कैरेक्टर को जज नहीं करना चाहिए वो दुनिया भर के लिए भले ही एक खराब इंसान होगा लेकिन वो खुद की नजर में किसी हीरो से कम नहीं होगा अगर किसी चोर से पूछे चोरी क्यों कर रहा है गलत इंसान है तू वो तो चोर कहेगा मैं चोरी नहीं करता तो घर नहीं चलता अगर मुझे दस लोगों को मारना है और मैं शुरुआत से ये सोचने लगूँ कि मैं तो गलत इंसान हूँ तो फिर तो कैमरा में नज़र ही नहीं आएगा वो कॉन्फिडेंस और वो निश्चित कि मैं एक कैरेक्टर को निभा सकता हूँ मिसाल के तौर तो पर सीक्रेट सुपरस्टार की बात मैं करता हूँ ये वो पिता है जो अपनी बेटी से भी नफरत करता है और अपनी पत्नी से भी वो पत्नी जो इतनी खूबसूरत है सारा काम करती रहती है कुछ नहीं कहती उसे भी नफरत करता है और जो बिटिया है वो तो इतनी टैलेंटेड है उसे भी नफरत करता है वो सिर्फ एक बड़ी आपा है जिनसे अच्छे से बात करता है अब मैं सोच में पड़ गया कि इस कैरेक्टर में ऐसा क्या है जो इसको इतना क्रूर बनाता है इसकी क्या कोई बैक स्टोरी होगी तो फिर मैंने सोचा कि चलो हो सकता है ये महिलाओं से नफ़रत करता है इसलिए अपनी पत्नी और अपनी बच्ची से भी नफरत करता है फिर कहीं ऐसा तो नहीं हुआ होगा कि इसके पिता ने दो दो तीन तीन शादियां कर ली होंगी और पिता ने इसे बेसहारा छोड़ दिया होगा तब बड़ी आपा ने इसे अपने पास लिया होगा और मुझे मेरी बैक स्टोरी मिल गई कोई भी व्यक्ति पूरी दुनिया के लिए कितना भी बुरा हो जाए लेकिन जो व्यक्ति उसे सहारा देता है वो उसके लिए हमेशा बहुत ही विनम्र और बहुत प्यार और सम्मान अपने दिल में रखेगा अपने आप को फिर वो जस्टिफिकेशन दिया और सो, फिर सोचा कि इसी बड़ी आपा को अब मैं अपने घर में रख लूँगा और प्यार करूंगा लेकिन पत्नी और बच्ची से कोई मोह नहीं होता राज अपनी बातों को जारी रखते हुए कहते हैं कि रजाकार की अगर मैं बात करूँ तो मैं नरसंहार करने वाला शख्स बना हूँ मूवी की शुरुआत में ही ये दिखाया गया है और मैं खुद बतौर एक्टर और बतौर व्यक्ति ये सोचने बैठ गया कि कोई व्यक्ति क्या इतना नरसंहार भी कर सकता है क्या वो सोच भी सकता है अब मुझे इस नरसंहार के लिए उन एक्सप्रेशन को देने के लिए अपने आप को जस्टिफिकेशन देना था तब मैंने सोचा क्यों ना ऐसा किया जाए कि जो कासिम रिजवी है वो ऐसा सोचता है कि जो व्यक्ति उसके खिलाफ जाएगा वो उसे खत्म कर देगा और उस व्यक्ति का खून खून देगा तब जाकर उसे शांति होगी पर ऐसा नहीं है कि वो इस नरसंहार को किसी गांव से दूसरे गांव तक लेकर जाएगा बल्कि उसका बदला पूरा हुआ उसके विरोधियों का खून सूंघ अब वो साइड में जाकर लेट भी जाएगा ऐसे कई सारे होते हैं लेकिन चलिए बताता हूँ सीक्रेट सुपरस्टार के समय मुझे कई सारे लोगों ने आमिर खान की पार्टी में बहुत सारे कॉम्प्लीमेंट्स दिए थे एक आम व्यक्ति आकर आपके काम की तारीफ करता है उसकी अहमियत अलग होती है और फिर जो लोग इसी फिल्म इंडस्ट्री के हैं जो इतने सालों से इस इंडस्ट्री में काम करें उनके द्वारा आपके काम की तारीफ हो तो बात अलग हो जाती है अब वो इज्जत और वो उनकी प्रशंसा है उनकी आंखों में बनाए रखना भी बहुत जरूरी होता है एक बहुत बड़े एक्टर नाम नहीं लेना चाहता हूँ उन्होंने मुझे कहा था कि एक समय था मैं प्राण साहब हुआ करता था जिनसे मुझे डर लगा और अब इस समय तुम हो जिससे मुझे डर लगा बस एक बात मेरे साथ तब होती है जब मैं लिफ्ट में जाता था और मेरी बिल्डिंग के जो बच्चे हैं मुझे देखकर लिफ्ट से बाहर निकल जाया करते थे एक बार तो मूवी का प्रीमियर चल रहा था कुछ जर्नलिस्ट को बुलाया गया था और कॉरिडोर से गुजर रहा था तो उसने मुझे देखा और वहां से उल्टे पांव वहां से निकल गए और फिर कुछ सेकेंड बाद उन्हें याद आया कि मैं आम व्यक्ति हूँ मैंने सिर्फ रोल निभाया है मैं असली में इतना डरावना पिता नहीं हूँ उनको जैसे ही ये बात समझ में आई वो खुद खुद हंसने लग गई और आगे बढ़ गई कि वो अभी भी ऐसे से कैसे एकदम से रिएक्ट कर गई जबकि इससे फिल्म ही चल रही थी जिससे वो कुछ मिनट के लिए मध्यांतर के समय बाहर आई थी अब रजाकार के निर्माता साहब की बात कर लीजिए वो मुझे कहते हैं कि अगर तुम्हारा खून लिया जाए उसमें से डीएनए चेक किया जाए तो मुझे लगता है कि तुम्हारे खून में कासिम रजवी का डीएनए ही मिलने वाला है या फिर तुम कासिम रजवी के पुनर्जन्म हो मुझे इस तरीके की कॉम्प्लीमेंट्स बहुत अच्छे लगते हैं और मुझे इस तरीके के कॉम्प्लीमेंट्स बहुत मिले भी हैं Гейм овер. अब फरान अख्तर ला रहे हैं इंडिया की मोस्ट वायलेंट फिल्म जिसका विलन होगा किल का वो जाबाज एक्टर जिसे मिली थी टोरंटो फिल्म टोरोंटो फिल्मि जो अब करने वाला है इस फ्लॉप एक्टर के साथ दंगल दरअसल दोस्तों रॉकी भाई ने जो वायलेंस वायलेंस का डायलॉग मारा था ना उससे कई लोगों ने बहुत ही ज्यादा इंस्पिरेशन ले ली है सीरियस हो गए मतलब हर किसी को अब इसका चस्का लगा है और उनमें अब एक्टर सिद्धार्थ चतुर्वेदी का नाम भी एड हो चुका है जो जल्द ही अपनी फिल्म यूद्रा लेकर आ रहे हैं वैसे फोन बूथ बंटी बबली टू जैसी फ्लॉप फिल्म देने के बाद सिद्धांत ने वैसा कोई काम नहीं किया जिसे याद रखा जाए तो उन्हें अभी फिलहाल बॉलीवुड में जिस फिल्म में प्रोड्यूसर फरहान अख्तर ने इसमें सिद्धांत के हाथ में एक हाथ में गन और एक हाथ में लॉलीपॉप दे दिया और पोस्टर के चारों तरफ खून ही खून नजर आ रहे थे इतना ही नहीं बल्कि सिद्धांत की आंखों में

वैसे करण जोहर की मोस्ट वायलेंट एक्शन फिल्म किल को बॉक्स ऑफिस पर भले ही कल की वजह से थोड़ा पिटना पड़ा लेकिन फिल्म फिल्म तो तो कमाल कमाल की की थी भाई और तो राघव का का साइको नेगेटिव शेड भी था पर इनफैक्ट बात करें अगर टोरंटो फेस्टिवल उन्हें वहां स्टैंडिंग ओवेशन भी मिला तो फिर एक बार फिर अपनी छाप छोड़ने आ रहे हैं इतना ही है नहीं बल्कि युद्रा एक एक्शन फिल्म होने की वजह से राघव ने अपने कैरेक्टर के लिए इस बार बॉक्सिंग की ट्रेनिंग भी ली इसका मतलब उनका कैरेक्टर पिछली बार से दो कदम आ

कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा एंड की तूफान के बाद क्या फरहान ने युद्धरा की तैयारी शुरू कर ली है कब शुरू होने वाली है शूटिंग क्या आने वाली है फिल्म की खास बातें हेलो फ्रेंड्स आप देख रहे हैं सोनिका दोस्तों फरहान अख्तर की फिल्म तूफान को दर्शकों द्वारा काफी सराहा गया इस फिल्म की सफलता के बाद एक बार फिर से फरहान अख्तर अपने प्रोड्यूसर मोड में आ गए हैं फरहान और रितेश सिद्धवानी द्वारा निर्मित फिल्म युद्धरा की शूटिंग शुरू हो चुकी है इस फिल्म में पहली बार अभिनेता सिद्धांत चतुर्वेदी एक्शन मोड में नजर आने वाले हैं सिद्धांत के साथ इस फिल्म में मशहूर अभिनेत्री मालविका मोहना नजर आने वाली है जो सिद्धांत से इश्क लड़ाती हुई दिखेंगी आज फिल्म की शूटिंग से पहले मुहूर्त भी हुआ जिसकी तस्वीरें सिद्धांत ने अपने इंस्टा हैंडल पर शेयर की और उनके फैन पेज ने भी शेयर की सिद्धांत ने कैप्शन दिया था सिद्धांत ने फोटो शेयर करते हुए कैप्शन लिखा लेट्स गो लेटी और वही बहुत ज्यादा एक्साइटेड है भी इस फिल्म के लिए युधरा एक रोमांटिक एक्शन थ्रिलर फिल्म होने वाली है जिसका निर्देशन रवि उदयवर कर रहे हैं रवि वही निर्देशक हैं जिन्होंने श्रीदेवी स्टारर मॉम का निर्देशन किया उनके काम को काफी सराहा गया इस साल की शुरुआत में फरहान अख्तर ने एक वीडियो शेयर किया था जिसमे उन्होंने इस फिल्म की घोषणा के साथ इसके किरदारों से भी फैंस को रूबरू कराया था ये फिल्म अगले साल रिलीज होने वाली है और इसकी तैयारियां जोरों शोरों से शुरू भी भी हो चुकी वहीं आपको बता दें सिद्धांत चतुर्वेदी के वर्क फ्रेंड की बात करें तो वो इस फिल्म के अलावा शकुन बत्रा की आगामी फिल्म में अहम भूमिका निभाने वाले हैं हालांकि इस फिल्म का भी टाइटल भी रिवील नहीं किया गया है लेकिन फिल्म की शूटिंग पूरी हो चुकी है इस फिल्म में सिद्धांत के साथ दीपिका पदुकोण और अनन्या पांडे नजर आने वाली है इन तीनों की जोड़ी एकदम फ्रेश तिगड़ी है और इसे एक साथ कभी भी दर्शकों ने स्क्रीन पर नहीं देखा है दर्शक इस फिल्म के रिलीज के लिए भी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं इस फिल्म का निर्माण करण जौहर और अपूर्वा मेहता ने किया है इसके अलावा सिद्धांत के खाते में फोन भूत जैसी फिल्म भी है और इसमें कटरीना कैफ और ईशान खल भी उनके साथ हैं ये फिल्म भी फरहान अख्तर और नितेश सिद्वानी ने ही निर्मित की है और सिद्धांत वंटी और बबली टू में भी दिखने वाले यानी कि सिद्धार्थ के आने वाले प्रोजेक्ट्स काफी धमाकेदार होने वाले हैं गाइज एक बात तो माननी पड़ेगी यार कि बॉलीवुड एक्टर सिद्धांत चतुर्वेदी ये बंदा भले ही बीच में कहीं गायब रहता हो पर जब भी ये पर्ण करने के लिए लौटता है ना तब बस हॉटर्स के साथ ही दिखाई देता है अब देखिए ना जैसे गहराइया में दीपिका पादुकोण थी उसके पहले बंटी और बबली टू पर शर्बरी बाग थी और अब साउथ ब्यूटी मालविका मोहनन है मतलब इस बंदे की तो सचमुच निकल पड़ी है और उनकी अपकमिंग फिल्म युधरा का साथिया सॉन्ग देखने के बाद हम इस एक बात पर सिद्धांत की तारीफ करने से थक नहीं रहे हैं पर तुम युधरा का पहला गाना साथियों रिलीज किया गया है और ये तीन मिनट का गाना बेसिकली सिद्धांत और मालविका की केमिस्ट्री पर बनाया गया है जैसे इस गाने के शुरुआत में ही एक समंदर के किनारे इनके केमिस्ट्री क्लासेस शुरू होते हैं रेत में रोमांस शुरू होता है और ये सब देखते हुए हमें छोट से याद आता है फिल्म फाइटर का वो सॉन्ग इश्क जैसा कुछ जिसमे दीपिका पादुकोण और ऋतिक रोशन ने भी समर के किनारे ऐसे ही अपनी केमिस्ट्री दिखाई थी और पहले तो हमें मालविका को देख कर दीपू ही याद आई थी पर फिर सारी गलतफहमी दूर हो गयी पर लगता है कि लोगों को पानी वादी जगह आरोप आग लेने रहना बड़ा शौक है खैर पर सिंह ने समंदर के किनारे जैसे ही अपने ऐसे दिखाए तब काफी लोगों का दिल धक धक करने लगा होगा मतलब इस एक मोमेंट पर युद्धा के प्रोड्यूसर फरह दर्ज दो हजार को बोलकर दिल धड़कनी दो टू टूपी बना सकते हैं खैर बिजवली ये शॉट काफी कमाल का लगता है और अगले सीन में ये दोनों बाइक राइडिंग करते हुए नजर आते हैं जो कि बहुत ही कॉमन सीन होता है बहुत सारी फिल्मों में पर बिजवली ये देखने में ना काफी अच्छा लगता है और मार्ग का वो जुल्फी लहराते हुए तो कभी किले वालों में देखने के बाद कुछ लोग मन ही मन यही कह रहे होंगे की भाई यही तो देखता था भगवान भी हमारी ख्वाहिश पूरी कर दी वैसे नेक्स्ट सीन में हम देखते है की किस तरह से ये लोग एक कैंडल लाइट डिनर कर रहे हैं फिर वहाँ पिना इनका रोमांस शुरू हो जाता है और फिर पानी के अंदर जाकर उनकी चुम्मा चाटी हमें नजर आती है तो ऐसा सब इस गाने में देखने को मिला और बहुत कुछ नहीं दिखाया गया और न ही कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हमें इस गाने में देखने को मिला बस इन दोनों की एक फ्रेश पेयर हमें इस गाने में देखने को मिलेगी वैसे पर या फिर खूबसूरत केमिस्ट्री को दो एक्स्ट्रा चांतु पम के म्यूजिक और आवाज़ की बचाव ऐसी ही लगे है और वो आवाज़ अगर विशाल मिश्रा की हो तब तो बैंक बनने बनने करेंगे ही ना सच में विशाल मिश्रा की मेलोडियस और हार्ट टचिंग वॉइस ने हमारा दिल जीत लिया दोस्तों और ये गाना सुनने के बाद बांग्लादेश के लोग भी रुक नहीं सके इसलिए फटाफट से उन्होंने कमेंट कर डाला और अपना ही का हाथ विशाल को दे दिया हाँ कुछ लोग बोलेंगे जिन्होंने अरिजीत सिंह को बहुत सारा मिस किया होगा इस वक्त उनके घर पर हिचकी लगी होगी पर भाई विशाल मिश्रा भी कुछ कम थोड़ी ना है उनकी आवाज के भी आप मुरीद दिया है। और अरसे बाद उनका कोई ऐसा रोमांटिक ट्रैक सुनने को मिल रहा है और इस गाने के लिरिक्स लिखे है जावेद अख्तर ने अब उनके पीटे परहान की ये फिल्म है तो जाहिर सी बात है कि किसी और को लेकर गाने लिखवाने का कोई मतलब थोड़ी ना बनेगा सच में दोस्तों लिरिक्स बहुत ही ज्यादा उमदा है बहुत ही खूबसूरत है और ओवरऑल विशाल दावेद अख्तर और शंकर एहसान लॉय इस कॉम्बो ने एक अच्छा गाना दिया है तो दोस्तों जब हम इतनी तारीफ कर ही रहे हैं इस गाने की तो एक बार आप भी सुन लीजिए क्या पता ये आपको भी पसंद आ जाए और आप इसे अपनी प्ले में सेव कर लें वैसे ये तो आप हमें कॉमेंट्स में बताइएगा जरूर की आपको ये सॉन्ग कैसा लगा सारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करे become an actor in bollywood